नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2012 में डेब्यू करते हुए गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1 एक विशाल भारतीय अपराध वादा है जो प्रशांसित अनुराग कश्यप, नवाज़ुद्दीन कश्यप और जरीन बख्शी द्वारा लिखित ये ब्लैक कॉमेडी महाकाव्यों पर कड़ी कहती पहली भाग की प्रतीक है। धनबाद के कुख्यात कोयला माफिया के पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म 1941 के 1990 के दशक के माध्यम तक चलती है। यह साहित्य, सत्ता संघर्ष, राजनीतिक चालबाजी और प्रतिशोध के निरंतर चक्र की पड़ताल करते हैं जो तीन परंपरा जुड़े अपराध परिवारों के परेशान करता है। कहानी में प्रभावित कलाकारों की टोली है जिसमें मनोज बाजपेयी, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, ऋचा चड्ढा और हुमा कुरैशी जैसे प्रसिद्ध कलाकार शामिल है जो इन गैंगस्टरों, राजनेताओं और गोलीबारी के पकड़े गए लोगों के जीवंत बनाते हैं। 2012 में रिलीज हुई गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1 को हमें कोयला माफिया के लिए कुख्यात धारा शहर धनबाद के केंद्र में ले जाते हैं। दूरदर्शक अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक विशाल गाथा का पहला अध्याय है जिसे कश्यप और जीवन कबड्डी के न से लिखित किया है। 1941 के 1990 के मध्यम तक की अवधि में यह प्रतिशोध, सत्ता संघर्ष और राजनीति के अंतरसारों की एक गहरी और जटिल कहानी बनती है जो तीन परंपरागत जुड़े अपराध परिवारों को आकर जकड़ लेते हैं। जो कहानी प्रतिभाशाली कलाकारों के माध्यम से सामने आती है जिसमें मनोज बाजपेयी, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, ऋचा चड्ढा और हुमा कुरैशी शामिल है। हिंसा के लाल से फंसे गैंगस्टरों के, राजनेताओं के और दर्शकों में जान फूंकते हैं। जिससे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये उन प्रेरणाओं और परिमाणों पर प्रकाश डालते हैं जो रक्तपात के निरंतर चक्रों को बढ़ावा देते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है और इस क्रूर दुनिया में बिजली की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1 एक आकर्षक कलाकारों की टोली है। प्रत्येक सदस्य फिल्म की कहानी में जटिल जाल के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी सरदार खान के रूप में केंद्र में है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका कार्य और विकल्प कहानी को गति देते हैं। ऋचा चड्ढा ने सरदार खान की पहली पत्नी नगमा खातून के किरदार निभाया जो अराजकता के बीच घरेलू चित्रों की झलक पेश करती है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान के बेटे में एक फैजल खान के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है जिसका यात्रा सामने आने वाली नाटक के केंद्र बन जाते हैं। उनका विरोध कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया जो रामाधीर सिंह के चरित्रों को साकार करते हैं जो एक दुर्जोय प्रतिद्वंदी है जो उसकी उपस्थिति पड़ी है। फिल्म की समृद्धि उन उल्लेखनीय अभिनेताओं के योगदान से और भी बढ़ गई है। विभूष मिश्रा, हिमा सेन, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, अनुरिता झा और जमील खान प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभा के सामने लाते हैं। उन पात्रों में जान फूंक देती है जो सत्ता संघर्ष के प्रतिशोध जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं, रिश्ते को कहानी का आगे बढ़ाते हैं। उनका साहसिक प्रदर्शन विविध सत्ताओं और जय छदी तैयार करते हैं जिनके प्रत्येक गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1 की भावो कथा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1 को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने से चूक गई। भारत में फिल्म के 27.52 करोड़ का कलेक्शन के जिसे इसकी रिलीज के वर्ष 2012 में प्रचालित मानकों के आधार पर औसत से नीचे माना गया है। यह वित्तीय प्रदर्शन पहली नज़र में निराशाजनक लगा सकता है, हालांकि बदल के ऊपर विचार करना महत्वपूर्ण है। फिल्म की अपराधगत कथा संरचना जो दर्शकों से चली आ रही और इसमें बड़े कलाकारों की मौजूदगी है जो सतह अधिक फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड के अपनी मधुताओं के दर्शकों के साथ मिले ना गए थे। इसके अलावा उसके विदेशी संग्रह भुगतान था कुल बुलमाई के लगभग 0.606 कमाई की। इस संदर्भ के कई कारकों के कारण जिसमें भारत में एक विशिष्ट छात्रों के संदर्भ पर फिल्म का फोकस अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उसके सांस्कृतिक बारीकियों का अनुभव करने का अनुमति चुनौती शामिल है। औसत से नीचे बॉक्स ऑफिस वर्गियों के बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1 ने अपनी साहसिक कहानी, यादगार पात्रों और कच्चे निष्पादन के लिए आलोचनाओं को प्रशंसा प्राप्त की। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा ने फिल्म को अनूठी शौर्य परंपरागत कथा के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों में एक समर्पित बंद का बढ़ावा दिया है। यह फिल्म के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है जो साबित करता है कि आलोचनात्मक प्रशंसा के कलात्मक योजना कभी कभी कलात्मक मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता को मात दे सकती है। अन्याय की बवंडर थी मिथुन राशि की एक महिला जिसका जन्म लग्न पर हुआ था जिसने चिन्ह कि दोनों किरारों के जीवन तीव्रता के साथ दर्शाया। एक पल में वो एक मनोरम सामाजिक तितली थी एक भीड़ भरी आर्ट गैलरी में। उद्घाटन भर ध्यान के केंद्र उसकी हंसी हवा के झंकार की तरह बज रही थी। अगले दिन वो एक शांत कोने की छुपी हुई थी, जीवन के अर्थ के बारे में एक दार्शनिक चर्चा में खोई हुई थी। उसकी आंखें उस बुद्धिमत्ता से चमक रही थी जो नक्षत्रों से टक्कर सकती है। दूसरी ओर लियो के स्थिर हो गया था वो स्वाभाविक तेजा जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चमक रहा था। उसके पास एक शांत आत्मविश्वास था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वो उनकी कॉलेज की बहस टीम का कप्तान था। उसका करिश्मा और वास्तुकता का सबसे गर्म तकों को भी विद्युत तत्वों में बदल देती थी। आत्मा की जीवंत अराजकता के विपरीत लियो व्यवस्था के संचार का सफल फूलता है, फिर भी वो उसे अन्य अप्रत्याशित का अजीब तरह से आकर्षित लगी। उनकी पहली मुलाकात आकस्मिक थी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक आकस्मिक मुलाकात। अन्य और जो कभी योजनाकर्ता की खोगल भौतिकता पर किताब को तलाश में अपनी सामान्य अनुभव के भटक गई थी। लियो जो अपनी आगामी बहस के लिए शोध में डूबा हुआ था ने ऊपर देखा और उसे देखा। उसके उग्र लाल बाल मंद दोषी और गलियारों में एक प्रकाशंत को तरसते थे, न कि उसकी गिरहाओं के बेखबर होकर अपनी सांसों की रंग पे गुनाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। ध्यान में लियो और भिटक एक राग खेल दिया, एक परिचित धुन जैसे वो ठीक समझ नहीं सकता है। उसके दिन हफ्तों के बदल गए और उनके रास्ते में एक दूसरे के टकरा रही थी। एक साझा कक्षा छात्रों कैफे में एक मौका मुलाकात, भीड़ भरे छात्र संघ पर एक चोरी की नज़र, हर बार एक स्थायी भावना, एक जागरूकता ऐसी जिसे नफरत कर नहीं जा सकता था। अंततः एक कैंपस का ब्लैक में लियो के साहस जुटाया और नए के पास हुआ था। बहुत सुंदर था उसके कहा, उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी, जिस तरह से अपने सितारों के बारे में भी बात की। ऐसा लगा कि जैसे आप उसके बीच रहे हो। नायक मुस्कुराए, उसकी आंखें उस मनोरंजन से चमक रही थी जिसमें लियो का अंदर से गर्म कर दिया था। धन्यवाद उसके कहा, उनकी आवाज़ नरम गई थी। कविता मेरा लायन है, मेरे दिमाग में नाच रहे अपनों का पीछा करने का एक तरीका है। उस रात तारे से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे उनकी बातचीत सहजता से ललची थी। न्याय के खोखोल वैज्ञानिक बनने मन के रहस्यों का जानने के सपनों के बारे में बात की। उसके जुनून से मोहित होकर लियो ने अपनी आकांक्षाएं वकील बनने के, न्याय के लिए लड़ने की अपनी इच्छा साझा की। जिसने से समय बीतता गया उसने शास्त्रीय संगीत के प्रति एक सपना प्रेम का एहसास हुआ। उनके बीच एक पसंदीदा किताब की तरह परिचित मौन का आरामदायक भार, उनका रिश्ता सितारों के लिखी कहानी की तरह सामने आया। पे एक रोमांचकर विरोध धाम से एक जुनून, एक प्रकाशरंत अचारों की और खड़ा था। उसका नृत्य रात के आकाश को हर्षान कर रहा था। न्याय के लियो के नियंत्रण की आवश्यकता को चुनौती दी और उसे सहजता की सुंदरता से परिचित कराया। बदले में लियो ने न्याय के तूफानी विचारों के आधार पर प्रदान किया, जिसमें उसे अपने असामित ऊर्जा की केंद्रित प्रशंसों के लिए मदद मिली है। लेकिन सभी रिश्तों की तरह उनका रिश्ता भी चुनौतियों से प्रेरित था। न्याय की निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता अक्सर लियो की स्थिरता की इच्छा के टकराती है। अपने भविष्य की योजना बनाने की उनकी कोशिशें उसे न्याय की घुटन महसूस हुई, जबकि उसकी नियंत्रणकर्ता के लियो के स्पष्टता की आवश्यकता के निराश कर दिया था। उनके तर्क छोटे तूफानों की तरह भी भावुक और क्षणभवपूर्ण, जो अपने पीछे चोट और भ्रम की छापू छोड़ गए थे। एक विशेष रूप से तूफानी शाम, अपनी गर्म की छुट्टियों कहाँ बिलने के बाद गर्मगड़ाहट बहस के बाद न्याय के एक डफल बैग पैक किया और बाहर निकल गए। वो पूरी रात लक्षणहीन दंग से गड़ी चलाती है ही। शहर की रोशनियाँ धुंधली होकर रंग की धारियों में बदल गई। आखिरकार उसने खुद को एक पहाड़ी के छोटे पर रखा और तारों से भरे रात की आकाश को देख रहे थे। उसके बचपन की यादें, अपने दादा जो एक सेवानिवृत्त मुगल शास्त्रियों से साथ घास पर लटे हुए नक्षत्रों के एक शर्त के कूदते हुए याद गई। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक ज़मीनी ताकत, एक प्यार जो उसे वापस लौटने के लिए एक सुरक्षित बदलाव के पेशकश करते हुए तरसने की ज़रूरत की समझाते हैं। अगली सुबह उसका दिल भारी लेकिन मन साफ था। वो लियो के अपार्टमेंट में वापस चली गई। वो अपनी बालकनी में और बैठा था। समूह का आकर्षक रंग और गुलाबों के रंग में रंगा था। जैसे ही उसने उसे आते देखा उसका चेहरा चिंता से भर गया। उनकी आंखें राहत से चमक उठी। अन्या उसके सांस ली, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी। लियो उसके कहा कि उसने आंसू के लिए नज़र आ रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है। उस सबूत के उसकी बातचीत आसान नहीं थी। यह उनकी ज़रूरत और डर का एक कच्चा ईमानदार अन्वेषण था। अन्याय की प्रतिबद्धता के अपने डर कुछ न्याय करने के निरंतर चाहत स्वीकार किया जो स्थिरता की अपनी इच्छा एक ऐसे भविष्य की आवश्यकता की स्वीकार की जिसे मिलकर वहाँ सके, लेकिन अपनी सुरक्षा में उन्होंने एक गहरी समझ की खोज की है। उन्होंने एहसास हुआ कि उनके मतभेद कमजोरियों नहीं बल्कि ताकतों थी और न्याय की अपनी असीम ऊर्जा और अमृतत्व जिज्ञासा के साथ लियो का अप्रत्याशित स्वतंत्रता को अपनाने के लिए अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लियो ने अपने अटूट निष्ठा और अमीन उपस्थिति के साथ न्याय को उसकी स्वतंत्र भावना के दबाए बिना वो भावनात्मक सहारा प्रदान किया जिसकी उसे चाहत थी। उन प्रेरणाओं और परिमाणों पर प्रकाश डालते हैं जो रक्तपात के जनतंत्र चक्रों को बढ़ावा देते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और इस क्रूर दुनिया में बिजली की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान एक में आकर्षक कलाकारों की टोली है। प्रत्येक सदस्य फिल्म की कहानी में जटिल जाल के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी सरदार खान के रूप में केंद्र में है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका कार्य और विकल्प कहानी को गति देते हैं। ऋचा चड्ढा ने सरदार खान की पहली पत्नी नगमा खातून के किरदार निभाया जो अराजकता के बीच घरेलू चित्रों की झलक पेश करती है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान के बेटे में एक फैजल खान के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है जिसका यात्रा सामने आने वाली नाटक के केंद्रों बन जाते हैं। उनका विरोध कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया जो रामाधीर सिंह के चरित्रों को साकार करते हैं, जो एक दुर्जोय प्रतिद्वंदी है जो उसकी उपस्थिति पड़ी है। फिल्म की समृद्धि उन उल्लेखनीय अभिनेताओं के योगदान से और भी बढ़ गई है। विभूष मिश्रा, हिमा सेन, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, अनुरिता झा और अजमेल खान प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभा के सामने लाते हैं। उन पात्रों में जान फूंक देती है जो सत्ता संघर्ष के प्रतिशोध जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं। रिश्ते को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनका साहसिक प्रदर्शन विविध सत्ताओं और जय छदी तैयार करते हैं जिनके प्रत्येक गैंग्स ऑफ वासेपुर भगवान की भावो कथा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने से चूक गई। भारत में फिल्म के 27.52 करोड़ का कलेक्शन के जिसे इसकी रिलीज के वर्ष 2012 में प्रचालित मानकों के आधार पर औसत से नीचे माना गया है। यह वित्तीय प्रदर्शन पहली नज़र में निराशाजनक लगा सकता है, हालांकि बदल के पर विचार करना महत्वपूर्ण है। फिल्म की अपराधगत कथा संरचना जो दर्शकों से चली आ रही और इसमें बड़े कलाकारों की मौजूदगी है जो सतह अधिक फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड के अपनी मधुताओं के दर्शकों के साथ मिले ना गए थे। इसके अलावा उसके विदेशी संग्रह भुगतान था कुल कमाई के लगभग 0.606 कमाई की। इस संदर्भ के कई कारकों के कारण जिसमें भारत में एक विशिष्ट छात्रों के संदर्भ पर फिल्म का फोकस अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उसके सांस्कृतिक बारीकियों का अनुभव करने का अनुमति चुनौती शामिल है। औसत से नीचे बॉक्स ऑफिस वर्गीकरण बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान ने अपनी साहसिक कहानी, यादगार पात्रों और कच्चे निष्पादन के लिए आलोचनाओं को प्रशंसा प्राप्त की। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा ने फिल्म को अनूठी शौर्य परंपरागत कथा के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों में एक समर्पित बंद का बढ़ावा दिया है। यह फिल्म के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है जो साबित करता है कि आलोचनात्मक प्रशंसा के कलात्मक योजना कभी कभी कलात्मक मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता को मात दे सकती है। अन्याय की बवंडर थी मिथुन राशि की एक महिला जिसका जन्म लग्न पर हुआ था, जिसने चिन्ह कि दोनों किरारों के जीवन तीव्रता के साथ दर्शाया। एक पल में वो एक मनोरम सामाजिक तितली थी, एक भीड़ भरी आर्ट गैलरी में उद्घाटन भर ध्यान के केंद्र उसकी हंसी हवा के झंकार की तरह बज रही थी। अगले दिन वो एक शांत कोने की छुपी हुई थी, जीवन के अर्थ के बारे में एक दार्शनिक चर्चा में खोई हुई थी। उसकी आंखें उस बुद्धिमत्ता से चमक रही थी जो नक्षत्रों से टक्कर सकती है। दूसरी ओर लियो के स्थिर हो गया था, वो स्वाभाविक तेजा जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चमक रहा था। उसके पास एक शांत आत्मविश्वास था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वो उनकी कॉलेज की बहस टीम का कप्तान था, उसका करिश्मा और वास्तुकता का सबसे गर्म तकों को भी विद्युत तत्वों में बदल देती थी। आत्मा की जीवंत अराजकता के विपरीत लियो व्यवस्था के संचार का सफल फूलता है, फिर भी वो उसे अन्य अप्रत्याशितों का अजीब तरह से आकर्षित लगी। उनकी पहली मुलाकात आकस्मिक थी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक आकस्मिक मुलाकात अन्य और जो कभी योजनाकर्ता की खोगल भौतिकता पर किताब को तलाश में अपनी सामान्य अनुभव के भटक गई थी। लियो जो अपनी आगामी बहस के लिए शोध में डूबा हुआ था ने ऊपर देखा और उसे देखा। उसके उग्र लाल बाल मंद दोषी और गलियारों में एक प्रकाशंत को तरसते थे। न्याय की उसकी गिराहों के बेखबर होकर अपनी सांसों की रंग पे गुनाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। ध्यान में लियो और भिटक एक राग खेल दिया, एक परिचित धुन जैसे वो ठीक समझ नहीं सकता है। उसके दिन हफ्तों के बदल गए और उनके रास्ते में एक दूसरे के टकरा रही थी। एक साझा कक्षा छात्रों कैफे में एक मौका मुलाकात, भीड़ भरे छात्र संघ पर एक चोरी की नज़र, हर बार एक स्थायी भावना, एक जागरूकता सी जिसे नफरत कर नहीं जा सकता था। अंततः एक कैंपस का ब्लैक में लियो के साहस जुटाया और नए के पास हुआ था। बहुत सुंदर था उसके कहा, उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी, जिस तरह से अपने सितारों के बारे में भी बात की, ऐसा लगा कि जैसे आप उसके बीच रहे हो। नायक मुस्कुराए, उसकी आंखें उस मनोरंजन से चमक रही थी जिसमें लियो का अंदर से गर्म कर दिया था। धन्यवाद उसके कहा, उनकी आवाज़ नरम गई थी। कविता मेरा लायन है, मेरे दिमाग में नाच रहे अपनों का पीछा करने का एक तरीका है। उस रात तारे से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे उनकी बातचीत सहजता से ललची थी। नायक के खोखोल वैज्ञानिक बनने मन के रहस्यों का जानने के सपनों के बारे में बात की। उसके जुनून से मोहित होकर लियो ने अपनी आकांक्षाएं वकील बनने के, न्याय के लिए लड़ने की अपनी इच्छा साझा की। जिसने इसे समय बीतता गया उसने शास्त्रीय संगीत के प्रति एक सपना प्रेम का एहसास हुआ। उनके बीच एक पसंदीदा किताब की तरह परिचित मौन का आरामदायक भार, उनका रिश्ता सितारों के लिखी कहानी की तरह सामने आया। वे एक रोमांचकर विरोध धाम से एक जुनून, एक प्रकाशरंत अचारों की ओर और खड़ा था। उसका नृत्य रात के आकाश को हर्षान कर रहा था। न्याय के लियो के नियंत्रण की आवश्यकता को चुनौती दी और उसे सहजता की सुंदरता से परिचित कराया। बदले में लियो ने न्याय के तूफानी विचारों के आधार पर प्रदान किया, जिसमें उसे अपने असामित ऊर्जा की केंद्रित प्रशंसों के लिए मदद मिली है। लेकिन सभी रिश्तों की तरह उनका रिश्ता भी चुनौतियों से प्रेरित था। न्याय की निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता अक्सर लियो की स्थिरता की इच्छा के टकराती है। अपने भविष्य की योजना बनाने की उनकी कोशिशें से न्याय की घुटन महसूस हुई, जबकि उसकी नियंत्रणकर्ता के लियो के स्पष्टता की आवश्यकता के निराश कर दिया था। उनके तर्क छोटे तूफानों की तरह भी भावुक और क्षणभवपूर्ण, जो अपने पीछे चोट और भ्रम की छापू छोड़ गए थे। एक विशेष रूप से तूफानी शाम, अपनी गर्म की छुट्टियों कहाँ बिलने के बाद गड़गड़ाहट बहस के बाद अन्याय के एक डफल बैग पैक किया और बाहर निकल गए। वो पूरी रात लक्षणहीन दंग से गड़ी चलाती है ही। शहर की रोशनियाँ धुंधली होकर रंग की धारियों में बदल गई। आखिरकार उसने खुद को एक पहाड़ी के छोटे पर रखा और तारों से भरे रात की आकाश को देख रहे थे। उसके बचपन की यादें, अपने दादा जो एक सेवानिवृत्त मुगल शास्त्रियों से साथ घास पर लुटे हुए नक्षत्रों के एक शरत के कूदते हुए याद गई। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक ज़मीनी ताकत, एक प्यार जो उसे वापस लौटने के लिए एक सुरक्षित बदलाव के पेशकश करते हुए तलाशने की ज़रूरत की समझाते हैं। अगली सुबह उसका दिल भारी लेकिन मन साफ था। वो लियो के अपार्टमेंट में वापस चली गई। वो अपनी बालकनी में और बैठा था। समूह का आकर्षक रंग और गुलाबों के रंग में रंगा था। जैसे ही उसने उसे आते देखा उसका चेहरा चिंता से भर गया। उनकी आंखें राहत से चमक उठी। अन्या उसके सांस ली, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी। लियो उसके कहा कि उसने आंसू के लिए नज़र आ रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है। उस सबूत के उसकी बातचीत आसान नहीं थी। यह उनकी ज़रूरत और डर का एक कच्चा ईमानदार अन्वेषण था। अन्याय की प्रतिबद्धता के अपने डर, कुछ न्याय करने के निरंतर चाहत स्वीकार किया, जो स्थिरता की अपनी इच्छा, एक ऐसे भविष्य की आवश्यकता की स्वीकार की जिसे मिलकर वहाँ सके। लेकिन अपनी सुरक्षा में उन्होंने एक गहरी समझ की खोज की है। उन्होंने एहसास हुआ कि उनके मतभेद कमजोरियों नहीं बल्कि ताकतों थी। और न्याय की अपनी असीम ऊर्जा और अमृत जिज्ञासा के साथ लियो का अप्रत्याशित स्वतंत्रता को अपनाने के लिए अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लियो ने अपने अटूट निष्ठा और अमीन उपस्थिति के साथ न्याय को उसकी स्वतंत्र भावना के दबाए बिना वो भावनात्मक सहारा प्रदान किया जिसकी उसे चाहत थी। उन प्रेरणाओं और परिमाणों पर प्रकाश डालते हैं जो रक्तपात के निरंतर चक्रों को बढ़ावा देते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और इस क्रूर दुनिया में बिजली की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान एक आकर्षक कलाकारों की टोली है। प्रत्येक सदस्य फिल्म की कहानी में जटिल जाल के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी सरदार खान के रूप में केंद्र में है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका कार्य और विकल्प कहानी को गति देते हैं। ऋचा चड्ढा ने सरदार खान की पहली पत्नी नगमा खातून की किरदार निभाया, जो अराजकता के बीच घरेलू चित्रों की झलक पेश करती है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान के बेटे में एक फैजल खान के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है, जिसका यात्रा सामने आने वाली नाटक के केंद्रों बन जाते हैं। उनका विरोध कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया, जो रामाधीर सिंह के चरित्रों को साकार करते हैं, जो एक दुर्जोय प्रतिद्वंदी है जो उसकी उपस्थिति पड़ी है। फिल्म की समृद्धि अन्य उल्लेखनीय अभिनेताओं के योगदान से और भी बढ़ गई है। विभूष मिश्रा, हिमा सेन, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, अनुरिता झा और जमील खान प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभा के सामने लाते हैं। उन पात्रों में जान फूंक देती है जो सत्ता संघर्ष के प्रतिशत जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं। रिश्ते को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनका साहसिक प्रदर्शन विविध सत्ताओं और जय छदी तैयार करते हैं, जिनके प्रत्येक गैंग्स ऑफ वासेपुर भगवान की भावुक कथा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भगवान को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने से चूक गई। भारत में फिल्म के 27.52 करोड़ का कलेक्शन के जिसे इसकी रिलीज के वर्ष 2012 में प्रचालित मानकों के आधार पर औसत से नीचे माना गया है। यह वित्तीय प्रदर्शन पहली नज़र में निराशाजनक लगा सकता है, हालांकि बदल के पर विचार करना महत्वपूर्ण है। फिल्म की अपराधगत कथा संरचना जो दर्शकों से चली आ रही और इसमें बड़े कलाकारों की मौजूदगी है जो सतह अधिक फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड के अपनी मधुताओं के दर्शकों के साथ मिले ना गए थे। इसके अलावा उसके विदेशी संग्रह भुगतान था कुल बुलमाई के लगभग 0.606 कमाई की। इस संदर्भ के कई कारकों के कारण है, जिसमें भारत में एक विशिष्ट छात्रों के संदर्भ पर फिल्म का फोकस अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उसके सांस्कृतिक बारीकियों का अनुभव करने का अनुमति चुनौती शामिल है। औसत से नीचे बॉक्स ऑफिस वर्गियों के बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भगवान ने अपनी साहसिक कहानी, यादगार पात्र और कच्चे निष्पादन के लिए आलोचनाओं को प्रशंसा प्राप्त की। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा ने फिल्म को अनूठी शौर्य परंपरागत कथा के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों में एक समर्पित बंद का बढ़ावा दिया है। यह फिल्म के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है जो साबित करता है कि आलोचनात्मक प्रशंसा के कलात्मक योजना कभी कभी कलात्मक कुखा मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता को मात दे सकती है। अन्याय की बवंडर थी मिथुन राशि की एक महिला जिसका जन्म लग्न पर हुआ था, जिसने चिन्हों की दोनों किनारों के जीवन तीव्रता के साथ दर्शाया। एक पल में वो एक मनोरम सामाजिक तितली थी, एक भीड़ भरी आर्ट गैलरी में उद्घाटन भर ध्यान के केंद्र उसकी हंसी हवा की झंकार की तरह बज रही थी। अगले दिन वो एक शांत कोने की छुपी हुई थी, जीवन के अर्थ के बारे में एक दार्शनिक चर्चा में खोई हुई थी। उसकी आंखें उस बुद्धिमत्ता से चमक रही थी जो नक्षत्रों से टक्कर सकती है। दूसरी ओर लियो के स्थिर हो गया था, वो स्वाभाविक तेजा जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चमक रहा था। उसके पास एक शांत आत्मविश्वास था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वो उनकी कॉलेज की बहस टीम का कप्तान था, उसका करिश्मा और वास्तविकता का सबसे गर्म तकों को भी विद्युत तत्वों में बदल देती थी। आत्मा की जीवंत अराजकता के विपरीत लियो व्यवस्था के संचार का सफल फूलता है, फिर भी वो उसे अन्य अप्रत्याशितों का अजीब तरह से आकर्षित लगी। उनकी पहली मुलाकात आकस्मिक थी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक आकस्मिक मुलाकात अन्य और जो कभी योजनाकर्ता की खगोल भौतिकता पर किताब को तलाश में अपनी सामान्य अनुभव के भटक गई थी। लियो जो अपनी आगामी बहस के लिए शोध में डूबा हुआ था ने ऊपर देखा और उसे देखा। उसके उग्र लाल बाल मंद दोषी और गलियारों में एक प्रकाशंत को तरसते थे। न्याय कि उसकी गिरहाओं के बेखबर होकर अपनी सांसों की रंग पे गुनाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। ध्यान में लियो और भिटक एक राग खेल दिया, एक परिचित धुन जैसे वो ठीक समझ नहीं सकता है। उसके दिन हफ्तों के बदल गए और उनके रास्ते में एक दूसरे के टकरा रही थी। एक साझा कक्षा छात्रों कैफे में एक मौका मुलाकात भीड़ भरे छात्र संघ पर एक चोरी की नज़र हर बार एक स्थायी भावना, एक जागरूकता ऐसी जिसे नफरत कर नहीं जा सकता था। अंततः एक कैंपस का ब्लैक में लियो के साहस जुटाया और नए के पास हुआ था। बहुत सुंदर था, उसके कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी, जिस तरह से अपने सितारों के बारे में भी बात की। ऐसा लगा कि जैसे आप उसके बीच रहे हो। नायक मुस्कुराई, उसकी आंखें उस मनोरंजन से चमक रही थी जिसमें लियो का अंदर से गर्म कर दिया था। धन्यवाद, उसके कहा। उनकी आवाज़ नरम गई थी। कविता मेरा लायन है, मेरे दिमाग में नाच रहे अपनों का पीछा करने का एक तरीका है। उस रात तारे से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे उनकी बातचीत सहजता से ललची थी। न्याय के खगोल वैज्ञानिक बनने मन के रहस्यों का जानने के सपनों के बारे में बात की। उसके जुनून से मोहित होकर लियो ने अपनी आकांक्षाएं वकील बनने के न्याय के लिए लड़ने की अपनी इच्छा साझा की। जिसने इसे समय बीतता गया उसने शास्त्रीय संगीत के प्रति एक सपना प्रेम का एहसास हुआ। उनके बीच एक पसंदीदा किताब की तरह परिचित मौन का आरामदायक भार, उनका रिश्ता सितारों के लिखी कहानी की तरह सामने आया पे एक रोमांचक विरोध धाम से एक जुनून एक प्रकाशरंत अचारों की ओर और खड़ा था। उसका नृत्य रात के आकाश को हर्षान कर रहा था, अन्याय के लियो के नियंत्रण की आवश्यकता को चुनौती दी और उसे सहजता की सुंदरता से परिचित कराया। बदले में उन्होंने न्याय के तूफानी विचारों के आधार पर प्रदान किया, जिसमें उसे अपने असामित ऊर्जा की केंद्रित प्रशंसों के लिए मदद मिली है। लेकिन सभी रिश्तों की तरह उनका रिश्ता भी चुनौतियों से प्रेरित था। अन्याय की निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता अक्सर लियो की स्थिरता की इच्छा के टकराती है। अपने भविष्य की योजना बनाने की उनकी कोशिशें उसे न्याय की घुटन महसूस हुई, जबकि उसकी नियंत्रणकर्ता के लियो के स्पष्टता की आवश्यकता के निराश कर दिया था। उनके तर्क छोटे तूफानों की तरह भी भावुक और क्षणभवपूर्ण, जो अपने पीछे चोट और भ्रम की छापू छोड़ गए थे। एक विशेष रूप से तूफानी शाम अपनी गर्म की छुट्टियों कहाँ बिलते के बाद गर्मगराहट बहस के बाद अन्याय के एक डफल बैग पैक किया और बाहर निकल गए। वो पूरी रात लक्षणहीन दंग से गड़ी चलाती है ही। शहर की रोशनियाँ धुंधली होकर रंग की धारियों में बदल गई। आखिरकार उसने खुद को एक पहाड़ी के छोटे पर फड़खा और तारों से भरे रात की आकाश को देख रहे थे। उसके बचपन की यादें, अपने दादा जो एक सेवानिवृत्त मुगल शास्त्रियों से साथ घास पर लुटे हुए नक्षत्रों के एक शरत के कूदते हुए याद गई। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी चीज की सबसे ज़्यादा जरूरत है, एक ज़मीनी ताकत, एक प्यार जो उसे वापस लौटने के लिए एक सुरक्षित बदलाव के पेशकश करते हुए तलाशने की जरूरत की समझाते हैं। अगली सुबह उसका दिल भारी लेकिन मन साफ था। वो लियो के अपार्टमेंट में वापस चली गई। वो अपनी बालकनी में और बैठा था। समूह का आकर्षक रंग और गुलाबों के रंग में रंगा था। जैसे ही उसने उसे आते देखा, उसका चेहरा चिंता से भर गया। उनकी आंखें राहत से चमक उठी। अन्या उसके सांस ली, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी। लियो उसके कहा कि उसने आंसू के लिए नज़र आ रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है। उस सबूत के उसकी बातचीत आसान नहीं थी। यह उनकी ज़रूरत और डर का एक कच्चा ईमानदार अन्वेषण था। अन्याय की प्रतिबद्धता के अपने डर कुछ न्याय करने के निरंतर चाहत स्वीकार किया, जो स्थिरता की अपनी इच्छा एक ऐसे भविष्य की आवश्यकता की स्वीकार की जिसे मिलकर वहाँ सके। लेकिन अपनी सुरक्षा में उन्होंने एक गहरी समझ की खोज की है। उन्होंने एहसास हुआ कि उनके मतभेद कमजोरियों नहीं बल्कि ताकतों थी। और न्याय की अपनी असीम ऊर्जा और अमृतत्व जिज्ञासा के साथ लियो का अप्रत्याशित स्वतंत्रता को अपनाने के लिए अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लियो ने अपने टूट निष्ठा और अमीन उपस्थिति के साथ न्याय को उसकी स्वतंत्र भावना के दबाए बिना वो भावनात्मक सहारा प्रदान किया जिसकी उसे चाहत थी। उन प्रेरणाओं और परिमाणों पर प्रकाश डालते हैं जो रक्तपात के निरंतर चक्रों को बढ़ावा देते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है और इस क्रूर दुनिया में बिजली की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भगवान एक में एक आकर्षक कलाकारों की टोली है। प्रत्येक सदस्य फिल्म की कहानी में जटिल जाल के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी सरदार खान के रूप में केंद्र में है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका कार्य और विकल्प कहानी को गति देते हैं। ऋचा चड्ढा ने सरदार खान की पहली पत्नी नगमा खातून की किरदार निभाया, जो अराजकता के बीच घरेलू चित्रों की झलक पेश करती है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान के बेटे में एक फैजल खान के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है, जिसका यात्रा सामने आने वाली नाटक के केंद्रों बन जाते हैं। उनका विरोध कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया, जो रामाधीर सिंह के चरित्रों को साकार करते हैं, जो एक दुर्जोय प्रतिद्वंदी है जो उसकी उपस्थिति पड़ी है। फिल्म की समृद्धि उल्लेखनीय अभिनेताओं के योगदान से और भी बढ़ गई है। विभूष मिश्रा, हिमा सेन, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, अनुरिता झा और जमील खान प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभा के सामने लाते हैं। उन पात्रों में जान फूंक देती है जो सत्ता संघर्ष के प्रतिशत जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं। रिश्ते को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनका साहसिक प्रदर्शन विविध सत्ताओं और जय छदी तैयार करते हैं, जिनके प्रत्येक गैंग्स ऑफ वासेपुर भगवान की भावुक कथा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भगवान को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने से चूक गई। भारत में फिल्म के 27.52 करोड़ का कलेक्शन के जिसे इसकी रिलीज के वर्ष 2012 में प्रचालित मानकों के आधार पर औसत से नीचे माना गया है। यह वित्तीय प्रदर्शन पहली नज़र में निराशाजनक लगा सकता है, हालांकि बदल के पर विचार करना महत्वपूर्ण है। फिल्म की अपराधगत कथा संरचना जो दर्शकों से चली आ रही और इसमें बड़े कलाकारों की मौजूदगी है जो सत्ता अधिक फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड के अपनी मधुताओं के दर्शकों के साथ मिले ना गए थे। इसके अलावा उसके विदेशी संग्रह भुगतान था कुल बुलमाई के लगभग 0.606 कमाई की। इस संदर्भ के कई कारकों के कारण है, जिसमें भारत में एक विशिष्ट छात्रों के संदर्भ पर फिल्म का फोकस अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उसके सांस्कृतिक बारीकियों का अनुभव करने का अनुमति चुनौती शामिल है। औसत से नीचे बॉक्स ऑफिस वर्गियों के बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1 ने अपनी साहसी कहानी, यादगार पात्रों और कच्चे निष्पादन के लिए आलोचकों को प्रशंसा प्राप्त की। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा ने फिल्म को अनूठी शौर्य परंपरागत कथा के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों में एक समर्पित बंद का बढ़ावा दिया है। ये फिल्म के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है जो साबित करता है कि आलोचनात्मक प्रशंसा के कलात्मक योजना कभी कभी कलात्मक कुखा मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता को मात दे सकती है। अन्याय की भवंडर थी मिथुन राशि की एक महिला जिसका जन्म लग्न पर हुआ था, जिसने चिन्हों की दोनों किनारों के जीवन तीव्रता के साथ दर्शाया। एक पल में वो एक मनोरम सामाजिक तितली थी, एक भीड़ भरी आर्ट गैलरी में उद्घाटन भर ध्यान के केंद्र उसकी हंसी हवा की झंझार की तरह बज रही थी। अगले दिन वो एक शांत कोने की छुपी हुई थी, जीवन के अर्थ के बारे में एक दार्शनिक चर्चा में खोई हुई थी। उसकी आंखें उस बुद्धिमत्ता से चमक रही थी जो नक्षत्रों से टक्कर सकती है। दूसरी ओर लियो के स्थिर हो गया था, वो स्वाभाविक तेजा जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चमक रहा था। उसके पास एक शांत आत्मविश्वास था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वो उनकी कॉलेज की बहस टीम का कप्तान था, उसका करिश्मा और वास्तविकता का सबसे गर्म तकों को भी विद्युत तत्वों में बदल देती थी। आत्मा की जीवंत आरजकता के विपरीत लियो व्यवस्था के संचार का सफल फूलता है, फिर भी वो उसे अन्य अप्रत्याशित का अजीब तरह से आकर्षित लगी। उनकी पहली मुलाकात आकस्मिक थी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक आकस्मिक मुलाकात। अन्य और जो कभी योजनाकर्ता की खोगल भौतिकता पर किताब को तलाश में अपनी सामान्य अनुभव के भटक गई थी। लियो जो अपनी आगामी बहस के लिए शोध में डूबा हुआ था ने ऊपर देखा और उसे देखा। उसके उग्र लाल बाल मंद दोषी और गलियारों में एक प्रकाशंत को तरसते थे। न्याय कि उसकी गिरहाओं के बेखबर होकर अपनी सांसों की रंग पे गुनाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। ध्यान में लियो और भिटक एक राग खेल दिया, एक परिचित धुन जैसे वो ठीक समझ नहीं सकता है। उसके दिन हफ्तों के बदल गए और उनके रास्ते में एक दूसरे के टकरा रही थी। एक साझा कक्षा छात्रों कैफे में एक मौका मुलाकात, भीड़ भरे छात्र संघ पर एक चोरी की नज़र, हर बार एक स्थायी भावना, एक जागरूकता ऐसी जिसे नफरत कर नहीं जा सकता था। अंततः एक कैंपस का ब्लैक में लियो के साहस जुटाया और नए के पास हुआ था। बहुत सुंदर था, उसके कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी, जिस तरह से अपने सितारों के बारे में भी बात की। ऐसा लगा कि जैसे आप उसके बीच रहे हो। नायक मुस्कुराए, उसकी आंखें उस मनोरंजन से चमक रही थी जिसमें लियो को अंदर से गर्म कर दिया था। धन्यवाद, उसके कहा। उनकी आवाज़ नरम गई थी। कविता मेरा लायन है, मेरे दिमाग में नाच रहे अपनों का पीछा करने का एक तरीका है। उस रात तारे से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे उनकी बातचीत सहजता से ललची थी। न्याय के खोखोल वैज्ञानिक बनने मन के रहस्यों का जानने के सपनों के बारे में बात की। उसके जुनून से मोहित होकर लियो ने अपनी आकांक्षाएं वकील बनने के, न्याय के लिए लड़ने की अपनी इच्छा साझा की। जिसने इसे समय बीतता गया उसने शास्त्रीय संगीत के प्रति एक सपना प्रेम का एहसास हुआ। उनके बीच एक पसंदीदा किताब की तरह परिचित मौन का आरामदायक भार, उनका रिश्ता सितारों के लिखी कहानी की तरह सामने आया। पे एक रोमांचकर विरोध धाम से एक जुनून, एक प्रकाशरंत अचारों की और खड़ा था। उसका नृत्य के आकाश को हर्षान कर रहा था। न्याय के लियो के नियंत्रण की आवश्यकता को चुनौती दी और उसे सहजता की सुंदरता से परिचित कराया। बदले में लियो ने न्याय के तूफानी विचारों के आधार पर प्रदान किया, जिसमें उसे अपने असामित ऊर्जा की केंद्रित प्रशंसों के लिए मदद मिली है। लेकिन सभी रिश्तों की तरह उनका रिश्ता भी चुनौतियों से प्रेरित था। न्याय की निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता अक्सर लियो की स्थिरता की इच्छा के टकराती है। अपने भविष्य की योजना बनाने की उनकी कोशिशें से न्याय की घुटन महसूस हुई, जबकि उसकी नियंत्रणकर्ता के लियो के स्पष्टता की आवश्यकता के निराश कर दिया था। उनके तर्क छोटे तूफानों की तरह भी भावुक और क्षणभवपूर्ण, जो अपने पीछे चोट और भ्रम की छापू छोड़ गए थे। एक विशेष रूप से तूफानी शाम, अपनी गर्म की छुट्टियों कहाँ बिलने के बाद गड़गड़ाहट बहस के बाद न्याय के एक डफल बैग पैक किया और बाहर निकल गए। वो पूरी रात लक्षणहीन दंग से गड़ी चलाती है ही। शहर की रोशनियाँ धुंधली होकर रंग की धारियों में बदल गई। आखिरकार उसने खुद को एक पहाड़ी के छोटे पर फरखा और तारों से भरे रात की आकाश को देख रहे थे। उसके बचपन की यादें, अपने दादा जो एक सेवानिवृत्त मुगल शास्त्रियों से साथ घास पर लटे हुए नक्षत्रों के एक शर्त के कूदते हुए याद गई। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी चीज की सबसे ज़्यादा जरूरत है, एक ज़मीनी ताकत, एक प्यार जो उसे वापस लौटने के लिए एक सुरक्षित बदलाव के पेशकश करते हुए तरसने की जरूरत की समझाते हैं। अगली सुबह उसका दिल भारी लेकिन मन साफ था। वो लियो के अपार्टमेंट में वापस चली गई। वो अपनी बालकनी में और बैठा था। समूह का आकर्षक नंदी और गुलाबों के रंग में रंगा था। जैसे ही उसने उसे आते देखा, उसका चेहरा चिंता से भर गया। उनकी आंखें राहत से चमक उठी। अन्या उसके सांस ली। उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी। लियो उसके कहा कि उसने आंसू के लिए नज़र आ रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है। उस सबूत के उसकी बातचीत आसान नहीं थी। यह उनकी ज़रूरत और डर का एक कच्चा ईमानदार अन्वेषण था। अन्याय की प्रतिबद्धता के अपने डर कुछ न्याय करने की निरंतर चाहत स्वीकार किया, जो स्थिरता की अपनी इच्छा एक ऐसे भविष्य की आवश्यकता की स्वीकार की जिसे मिलकर वहाँ सके। लेकिन अपनी सुरक्षा में उन्होंने एक गहरी समझ की खोज की है। उन्होंने एहसास हुआ कि उनके मतभेद कमजोरियों नहीं बल्कि ताकतों थी। और न्याय की अपनी असीम ऊर्जा और अमृत जिज्ञासा के साथ लियो का अप्रत्याशित स्वतंत्रता को अपनाने के लिए अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लियो ने अपने अटूट निष्ठा और अमीन उपस्थिति के साथ न्याय को उसकी स्वतंत्र भावना के दबाए बिना वो भावनात्मक सहारा प्रदान किया जिसकी उसे चाहत थी। उन प्रेरणाओं और परिमाणों पर प्रकाश डालते हैं जो रक्तपात के निरंतर चक्रों को बढ़ावा देते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और इस क्रूर दुनिया में बिजली की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान एक में आकर्षक कलाकारों की टोली है। प्रत्येक सदस्य फिल्म की कहानी में जटिल जाल के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी सरदार खान के रूप में केंद्र में है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका कार्य और विकल्प कहानी को गति देते हैं। ऋचा चड्ढा ने सरदार खान की पहली पत्नी नगमा खातून के किरदार निभाया, जो अराजकता के बीच घरेलू चित्रों की झलक पेश करती है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान के बेटे में एक फैजल खान के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है, जिसका यात्रा सामने आने वाली नाटक के केंद्रों बन जाते हैं। उनका विरोध कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया, जो रामाधीर सिंह के चरित्रों को साकार करते हैं, जो एक दुर्जोय प्रतिद्वंदी है जो उसकी उपस्थिति पड़ी है। फिल्म की समृद्धि उन्हें उल्लेखनीय अभिनेताओं के योगदान से और भी बढ़ गई है। विभूष मिश्रा, हिमा सेन, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, अनुरिता झा और अजमेल खान प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभा के सामने लाते हैं। उन पात्रों में जान फूंक देती है जो सत्ता संघर्ष के प्रतिशत जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं। रिश्ते को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनका साहसिक प्रदर्शन विविध सत्ताओं और जय छदी तैयार करते हैं, जिनके प्रत्येक गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान की भावुक कथा के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने से चूक गई। भारत में फिल्म के 27.52 करोड़ का कलेक्शन के जिसे इसकी रिलीज के वर्ष 2012 में प्रचालित मानकों के आधार पर औसत से नीचे माना गया है। यह वित्तीय प्रदर्शन पहली नज़र में निराशाजनक लगा सकता है। हालांकि बदल के पर विचार करना महत्वपूर्ण है। फिल्म की अपराधगत कथा संरचना जो दर्शकों से चली आ रही और इसमें बड़े कलाकारों की मौजूदगी है जो सत्ता अधिक फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड के अपनी मधुताओं के दर्शकों के साथ मिले ना गए थे। इसके अलावा उसके विदेशी संग्रह भुगतान था कुल बुलमाई के लगभग 0.606 कमाई की। इस संदर्भ के कई कारकों के कारण है जिसमें भारत में एक विशिष्ट छात्रों के संदर्भ पर फिल्म का फोकस अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उसके सांस्कृतिक बारीकियों का अनुभव करने का अनुमति चुनौती शामिल है। औसत से नीचे बॉक्स ऑफिस वर्गीकरण बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान ने अपनी साहसी कहानी, यादगार पात्रों और कच्चे निष्पादन के लिए आलोचकों को प्रशंसा प्राप्त की। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा ने फिल्म को अनूठी शौर्य परंपरागत कथा के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों में एक समर्पित बंद का बढ़ावा दिया है। यह फिल्म के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है जो साबित करता है कि आलोचनात्मक प्रशंसा के कलात्मक योजना कभी कभी कलात्मक मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता को मात दे सकती है। अन्याय की बहुंडर्थी मिथुन राशि की एक महिला जिसका जन्म लग्न पर हुआ था, जिसने चिन्हों की दोनों किनारों के जीवन तीव्रता के साथ दर्शाया। एक पल में वो एक मनोरम सामाजिक तितली थी, एक भीड़ भरी आर्ट गैलरी में उद्घाटन भर ध्यान के केंद्र उसकी हंसी हवा के झंझार की तरह बज रही थी। अगले दिन वो एक शांत कोने की छुपी हुई थी, जीवन के अर्थ के बारे में एक दार्शनिक चर्चा में खोई हुई थी। उसकी आंखें उस बुद्धिमत्ता से चमक रही थी जो नक्षत्रों से टक्कर सकती है। दूसरी ओर लियो के स्थिर हो गया था वो स्वाभाविक तेजा जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चमक रहा था। उसके पास एक शांत आत्मविश्वास था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वो उनकी कॉलेज की बहस टीम का कप्तान था। उसका करिश्मा और वास्तविकता का सबसे गर्म तकों को भी विद्युत तत्वों में बदल देती थी। आत्मा की जीवंत अराजकता के विपरीत लियो व्यवस्था के संचार का सफल फूलता है, फिर भी वो उसे अन्य अप्रत्याशित तक अजीब तरह से आकर्षित लगी। उनकी पहली मुलाकात आकस्मिक थी। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक आकस्मिक मुलाकात अन्य और जो कभी योजना करता कि खगोल भौतिकता पर किताब को तलाश में अपनी सामान्य अनुभव के भटक गई थी। लियो जो अपनी आगामी बहस के लिए शोध में डूबा हुआ था ने ऊपर देखा और उसे देखा। उसके उग्र लाल बाल मंद दोषी और गलियारों में एक प्रकाशंत की तरसते थे। न्याय कि उसकी गिरहाओं के बेखबर होकर अपनी सांसों की रंग पे गुनाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। ध्यान में लियो और भिटक एक राग खेर दिया, एक परिचित धुन जैसे वो ठीक समझ नहीं सकता है। उसके दिन हफ्तों के बदल गए और उनके रास्ते में एक दूसरे के टकरा रही थी। एक साझा कक्षा छात्रों कैफे में एक मौका मुलाकात भीड़ भरे छात्र संघ पर एक चोरी की नज़र, हर बार एक स्थायी भावना, एक जागरूकता ऐसी जिसे नफरत कर नहीं जा सकता था। अंततः एक कैंपस का ब्लैक में लियो के साहस जुटाया और नए के पास हुआ था। बहुत सुंदर था उसके कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी, जिस तरह से अपने सितारों के बारे में भी बात की। ऐसा लगा कि जैसे आप उसके बीच रहे हो। नायक मुस्कुराए। उसकी आंखें उस मनोरंजन से चमक रही थी जिसमें लियो का अंदर से गर्म कर दिया था। धन्यवाद उसके कहा। उनकी आवाज़ नरम गई थी। कविता मेरा लायन है, मेरे दिमाग में नाच रहे अपनों का पीछा करने का एक तरीका है। उस रात तारे से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे उनकी बातचीत सहजता से ललची थी। न्याय के खगोल वैज्ञानिक बनने मन के रहस्यों का जानने के सपनों के बारे में बात की। उसके जुनून से मोहित होकर लियो ने अपनी आकांक्षाएं वकील बनने के, न्याय के लिए लड़ने की अपनी इच्छा साझा की। जिसने से समय बीतता गया उसने शास्त्रीय संगीत के प्रति एक सपना प्रेम का एहसास हुआ। उनके बीच एक पसंदीदा किताब की तरह परिचित मौन का आरामदायक भार, उनका रिश्ता सितारों के लिखी कहानी की तरह सामने आया। पे एक रोमांचकर विरोध धाम से एक जुनून, एक प्रकाशरंत अचारों की और खड़ा था। उसका नृत्य रात के आकाश को हर्षान कर रहा था। न्याय के लियो के नियंत्रण की आवश्यकता को चुनौती दी और उसे सहजता की सुंदरता से परिचित कराया। बदले में लियो ने न्याय के तूफानी विचारों के आधार पर प्रदान किया, जिसमें उसे अपनी असामित ऊर्जा की केंद्रित प्रशंसों के लिए मदद मिली है। लेकिन सभी रिश्तों की तरह उनका रिश्ता भी चुनौतियों से प्रेरित था। न्याय की निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता अक्सर लियो की स्थिरता की इच्छा के टकराती है। अपने भविष्य की योजना बनाने की उनकी कोशिशें से न्याय की घुटन महसूस हुई, जबकि उसकी नियंत्रणकर्ता के लियो के स्पष्टता की आवश्यकता के निराश कर दिया था। उनके तर्क छोटे तूफानों की तरह भी भावुक और क्षणभवपूर्ण, जो अपने पीछे चोट और भ्रम की छापों छोड़ गए थे। एक विशेष रूप से तूफानी शाम, अपनी गर्म की छुट्टियों कहाँ बिलने के बाद गर्मगड़ाहट बहस के बाद न्याय के एक डफल बैग पैक किया और बाहर निकल गए। वो पूरी रात लक्षणहीन दंग से गड़ी चलाती है ही। शहर की रोशनियाँ धुंधली होकर रंग की धारियों में बदल गई। आखिरकार उसने खुद को एक पहाड़ी के छोटे पर रखा और तारों से भरे रात की आकाश को देख रहे थे। उसके बचपन की यादें, अपने दादा जो एक सेवानिवृत्त भूगोल शास्त्रियों से साथ घास पर लुटे हुए नक्षत्रों के एक शरद के कूदते हुए याद गई। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी चीज की सबसे ज़्यादा जरूरत है, एक ज़मीनी ताकत, एक प्यार जो उसे वापस लौटने के लिए एक सुरक्षित बदलाव की पेशकश करते हुए तलाशने की जरूरत की समझाते हैं। अगली सुबह उसका दिल भारी लेकिन मन साफ था। वो लियो के अपार्टमेंट में वापस चली गई। वो अपनी बालकनी में और बैठा था। समूह का आकर्षक रंग और गुलाबों के रंग में रंगा था। जैसे ही उसने उसे आते देखा, उसका चेहरा चिंता से भर गया। उनकी आंखें राहत से चमक उठी। अन्या उसके सांस ली। उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी। लियो उसके कहा कि उसने आंसू के लिए नज़र आ रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है। उस सबूत के उसकी बातचीत आसान नहीं थी। यह उनकी ज़रूरत और डर का एक कच्चा ईमानदार अन्वेषण था। अन्याय की प्रतिबद्धता के अपने डर, कुछ न्याय करने के निरंतर चाहत स्वीकार किया, जो स्थिरता की अपनी इच्छा, एक ऐसे भविष्य की आवश्यकता की स्वीकार की जिसे मिलकर वहाँ सके। लेकिन अपनी सुरक्षा में उन्होंने एक गहरी समझ की खोज की है। उन्होंने एहसास हुआ कि उनके मतभेद कमजोरियों नहीं बल्कि ताकतों थी। और न्याय की अपनी असीम ऊर्जा और अमृत जिज्ञासा के साथ लियो का अप्रत्याशित स्वतंत्रता को अपनाने के लिए अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लियो ने अपने अटूट निष्ठा और अमीन उपस्थिति के साथ न्याय को उसकी स्वतंत्र भावना के दबाए बिना वो भावनात्मक सहारा प्रदान किया जिसकी उसे चाहत थी। उन प्रेरणाओं और परिमाणों पर प्रकाश डालते हैं जो रक्तपात के निरंतर चक्रों को बढ़ावा देते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और इस क्रूर दुनिया में बिजली की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1 एक में एक आकर्षक कलाकारों की टोली है। प्रत्येक सदस्यों फिल्म की कहानी में जटिल जाल के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी सरदार खान के रूप में केंद्र में है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका कार्य और विकल्प कहानी को गति देते हैं। ऋचा चड्ढा ने सरदार खान की पहली पत्नी नगमा खातून की किरदार निभाया, जो अराजकता के बीच घरेलू चित्रों की झलक पेश करती है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान के बेटे में एक फैजल खान के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है, जिसका यात्रा सामने आने वाली नाटक के केंद्रों बन जाते हैं। उनका विरोध कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया, जो रामाधीर सिंह के चरित्रों को साकार करते हैं, जो एक दुर्जोय प्रतिद्वंदी है जो उसकी उपस्थिति पड़ी है। फिल्म की समृद्धि उन्हें उल्लेखनीय अभिनेताओं के योगदान से और भी बढ़ गई है। विभूष मिश्रा, हिमा सेन, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, अनुरिता झा और जमील खान प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभा के सामने लाते हैं। उन पात्रों में जान फूंक देती है जो सत्ता संघर्ष के प्रतिशोध जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं। रिश्ते को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनका साहसिक प्रदर्शन विविध सत्ताओं और जय छदी तैयार करते हैं, जिनके प्रत्येक गैंग्स ऑफ वासेपुर भगवान की भावुक कथा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने से चूक गई। भारत में फिल्म के 27.52 करोड़ का कलेक्शन के जिसे इसकी रिलीज के वर्ष 2012 में प्रचालित मानकों के आधार पर औसत से नीचे माना गया है। यह वित्तीय प्रदर्शन पहली नज़र में निराशाजनक लगा सकता है, हालांकि बदल के पर विचार करना महत्वपूर्ण है। फिल्म की अपराधगत कथा संरचना जो दर्शकों से चली आ रही और इसमें बड़े कलाकारों की मौजूदगी है जो सतह अधिक फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड के अपनी मधुताओं के दर्शकों के साथ मिले ना गए थे। इसके अलावा उसके विदेशी संग्रह भुगतान था कुल बुलमाई के लगभग 0.606 कमाई की। इस संदर्भ के कई कारकों के कारण है, जिसमें भारत में एक विशिष्ट छात्रों के संदर्भ पर फिल्म का फोकस अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उसके सांस्कृतिक बारीकियों का अनुभव करने का अनुमति चुनौती शामिल है। औसत से नीचे बॉक्स ऑफिस वर्गियों के बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान ने अपनी साहसिक कहानी, यादगार पात्रों और कच्चे निष्पादन के लिए आलोचनाओं को प्रशंसा प्राप्त की। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा ने फिल्म को अनूठी शौर्य परंपरागत कथा के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों में एक समर्पित बंद का बढ़ावा दिया है। यह फिल्म के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है जो साबित करता है कि आलोचनात्मक प्रशंसा के कलात्मक योजना कभी कभी कलात्मक कुखा मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता को मात दे सकती है। अन्याय की बवंडर थी मिथुन राशि की एक महिला जिसका जन्म लग्न पर हुआ था, जिसने चिन्हों की दोनों किनारों के जीवन तीव्रता के साथ दर्शाया। एक पल में वो एक मनोरम सामाजिक तितली थी, एक भीड़ भरी आर्ट गैलरी में उद्घाटन भर ध्यान के केंद्र उसकी हंसी हवा की झंकार की तरह बज रही थी। अगले दिन वो एक शांत कोने की छुपी हुई थी, जीवन के अर्थ के बारे में एक दार्शनिक चर्चा में खोई हुई थी। उसकी आंखें उस बुद्धिमत्ता से चमक रही थी जो नक्षत्रों से टक्कर सकती है। दूसरी ओर लियो के स्थिर हो गया था, वो स्वाभाविक तेजा जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चमक रहा था। उसके पास एक शांत आत्मविश्वास था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वो उनकी कॉलेज की बाहर से टीम का कप्तान था, उसका करिश्मा और वास्तविकता का सबसे गर्म तकों को भी विद्युत तत्वों में बदल देती थी। आत्मा की जीवंत अराजकता के विपरीत लियो व्यवस्था के संचार का सफल फूलता है, फिर भी वो उसे अन्य अप्रत्याशितों का अजीब तरह से आकर्षित लगी। उनकी पहली मुलाकात आकस्मिक थी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक आकस्मिक मुलाकात। अन्य और जो कभी योजनाकर्ता की खोगल भौतिकता पर किताब को तलाश में अपनी सामान्य अनुभव के भटक गई थी। लियो जो अपनी आगामी बहस के लिए शोध में डूबा हुआ था, ने ऊपर देखा और उसे देखा। उसके उग्र लाल बाल मंद दोषी और गलियारों में एक प्रकाशंत को तरसते थे। न्याय कि उसकी गिराहों के बेखबर होकर अपनी सांसों की रंग पे गुनाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। ध्यान में लियो और भिटक एक राग खेल दिया, एक परिचित धुन जैसे वो ठीक समझ नहीं सकता है। उसके दिन हफ्तों के बदल गए और उनके रास्ते में एक दूसरे के टकरा रही थी। एक साझा कक्षा छात्रों कैफे में एक मौका मुलाकात, भीड़ भरे छात्र संघ पर एक चोरी की नज़र, हर बार एक स्थायी भावना, एक जागरूकता ऐसी जिसे नफरत कर नहीं जा सकता था। अंततः एक कैंपस का ब्लैक में लियो के साहस जुटाया और नए के पास हुआ था। बहुत सुंदर था, उसके कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी, जिस तरह से अपने सितारों के बारे में भी बात की। ऐसा लगा कि जैसे आप उसके बीच रहे हो। नायक मुस्कुराई, उसकी आंखें उस मनोरंजन से चमक रही थी जिसमें लियो का अंदर से गर्म कर दिया था। धन्यवाद, उसके कहा। उनकी आवाज़ नरम गई थी। कविता मेरा लायन है, मेरे दिमाग में नाच रहे अपनों का पीछा करने का एक तरीका है। उस रात तारे से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे उनकी बातचीत सहजता से ललची थी। न्याय के खोखोल वैज्ञानिक बनने मन के रहस्यों का, जानने के सपनों के बारे में बात की। उसके जुनून से मोहित होकर लियो ने अपनी आकांक्षाएं वकील बनने के, न्याय के लिए लड़ने की अपनी इच्छा साझा की। जिसने इसे समय बीतता गया उसने शास्त्रीय संगीत के प्रति एक सपना प्रेम का एहसास हुआ। उनके बीच एक पसंदीदा किताब की तरह परिचित मौन का आरामदायक भार, उनका रिश्ता सितारों के लिखी कहानी की तरह सामने आया। वे एक रोमांचकर विरोध धाम से एक जुनून, एक प्रकाशरंत अचारों की ओर और खड़ा था। उसका नृत्य रात के आकाश को हर्षान कर रहा था। न्याय के लियो के नियंत्रण की आवश्यकता को चुनौती दी और उसे सहजता की सुंदरता से परिचित कराया। बदले में लियो ने न्याय के तूफानी विचारों के आधार पर प्रदान किया, जिसमें उसे अपने असामित ऊर्जा की केंद्रित प्रशंसकों के लिए मदद मिली है। लेकिन सभी रिश्तों की तरह उनका रिश्ता भी चुनौतियों से प्रेरित था। न्याय की निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता अक्सर लियो की स्थिरता की इच्छा के टकराती है। अपने भविष्य की योजना बनाने की उनकी कोशिशें से न्याय की घुटन महसूस हुई, जबकि उसकी नियंत्रणकर्ता के लियो के स्पष्टता की आवश्यकता के निराश कर दिया था। उनके तर्क छोटे तूफानों की तरह भी भावुक और क्षणभपूर्ण, जो अपने पीछे चोट और भ्रम की छापू छोड़ गए थे। एक विशेष रूप से तूफानी शाम अपनी गर्म की छुट्टियों कहाँ बिलने के बाद गर्मगराहट बहस के बाद अन्याय के एक डफल बैग पैक किया और बाहर निकल गए। वो पूरी रात लक्षणहीन दंग से गड़ी चलाती है ही। शहर की रोशनियाँ धुंधली होकर रंग की धारियों में बदल गई। आखिरकार उसने खुद को एक पहाड़ी के छोटे पर रखा और तारों से भरे रात की आकाश को देख रहे थे। उसके बचपन की यादें, अपने दादा जो एक सेवानिवृत्त भूगोल शास्त्रियों से साथ घास पर लुटे हुए नक्षत्रों के एक शरत के कूदते हुए याद गई। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक ज़मीनी ताकत, एक प्यार जो उसे वापस लौटने के लिए एक सुरक्षित बदलाव के पेशकश करते हुए तरसने की ज़रूरत की समझाते हैं। अगली सुबह उसका दिल भारी लेकिन मन साफ था। वो लियो के अपार्टमेंट में वापस चली गई। वो अपनी बालकनी में और बैठा था। समूह का आकर्षक रंग और गुलाबों के रंग में रंगा था। जैसे ही उसने उसे आते देखा, उसका चेहरा चिंता से भर गया। उनकी आंखें राहत से चमक उठी। अन्या उसके सांस ली। उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी। लियो उसके कहा कि उसने आंसू के लिए नज़र आ रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है। उस सबूत के उसकी बातचीत आसान नहीं थी। यह उनकी ज़रूरत और डर का एक कच्चा ईमानदार अन्वेषण था। अन्याय की प्रतिबद्धता के अपने डर, कुछ न्याय करने के निरंतर चाहत स्वीकार किया, जो स्थिरता की अपनी इच्छा, एक ऐसे भविष्य की आवश्यकता की स्वीकार की जिसे मिलकर वहाँ सके। लेकिन अपनी सुरक्षा में उन्होंने एक गहरी समझ की खोज की है। उन्होंने एहसास हुआ कि उनके मतभेद कमजोरियों नहीं बल्कि ताकतों थी। और न्याय की अपनी असीम ऊर्जा और अमृत जिज्ञासा के साथ लियो का अप्रत्याशित स्वतंत्रता को अपनाने के लिए अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लियो ने अपने टूट निष्ठा और अमीन उपस्थिति के साथ न्याय को उसकी स्वतंत्र भावना के दबाए बिना वो भावनात्मक सहारा प्रदान किया जिसकी उसे चाहत थी। उन प्रेरणाओं और परिमाणों पर प्रकाश डालते हैं जो रक्तपात के निरंतर चक्रों को बढ़ावा देते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और इस क्रूर दुनिया में बिजली की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान एक में एक आकर्षक कलाकारों की टोली है। प्रत्येक सदस्य फिल्म की कहानी में जटिल जाल के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी सरदार खान के रूप में केंद्र में है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका कार्य और विकल्प कहानी को गति देते हैं। ऋचा चड्ढा ने सरदार खान की पहली पत्नी नगमा खातून की किरदार निभाया, जो अराजकता के बीच घरेलू चित्रों की झलक पेश करती है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान के बेटे में एक फैजल खान के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है, जिसका यात्रा सामने आने वाली नाटक के केंद्र बन जाते हैं। उनका विरोध कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया, जो रामाधीर सिंह के चरित्रों को साकार करते हैं, जो एक दुर्जोय प्रतिद्वंदी है जो उसकी उपस्थिति पड़ी है। फिल्म की समृद्धि उन्हें उल्लेखनीय अभिनेताओं के योगदान से और भी बढ़ गई है। विभूष मिश्रा, हिमा सेन, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, अनुरिता झा और अजमेल खान प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभा के सामने लाते हैं। उन पात्रों में जान फूंक देती है जो सत्ता संघर्ष के प्रतिशत जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं। रिश्ते को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनका साहसिक प्रदर्शन विविध सत्ताओं और जय छदी तैयार करते हैं, जिनके प्रत्येक गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान की भावुक कथा के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने से चूक गई। भारत में फिल्म के 27.52 करोड़ का कलेक्शन के जिसे इसकी रिलीज के वर्ष 2012 में प्रचालित मानकों के आधार पर औसत से नीचे माना गया है। यह वित्तीय प्रदर्शन पहली नज़र में निराशाजनक लगा सकता है, हालांकि बदलाव के पर विचार करना महत्वपूर्ण है। फिल्म की अपराधगत कथा संरचना जो दर्शकों से चली आ रही और इसमें बड़े कलाकारों की मौजूदगी है जो सत्ता अधिक फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड के अपनी उद्भोक्ताओं के दर्शकों के साथ मिलन आ गए थे। इसके अलावा उसके विदेशी संग्रह भुगतान था कुल बुलमाई के लगभग 0.606 कमाई की। इस संदर्भ के कई कारकों के कारण जिसमें भारत में एक विशिष्ट छात्रों के संदर्भ पर फिल्म का फोकस अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उसके सांस्कृतिक बारीकियों का अनुभव करने का अनुमति चुनौती शामिल है। औसत से नीचे बॉक्स ऑफिस वर्गियों के बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान ने अपनी साहसी कहानी यादगार पात्रों और कच्चे निष्पादन के लिए आलोचनाओं को प्रशंसा प्राप्त की। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा ने फिल्म को अनोटी शौर्य परंपरागत कथा के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों में एक समर्पित बंद का बढ़ावा दिया है। ये फिल्म के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है जो साबित करता है कि आलोचनात्मक प्रशंसा के कलात्मक योजना कभी कभी कलात्मक कुखा मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता को मात दे सकती है। अन्याय की भवंडर थी मिथुन राशि की एक महिला जिसका जन्म लग्न पर हुआ था, जिसने चिन्हों की दोनों किनारों के जीवन तीव्रता के साथ दर्शाया। एक पल में वो एक मनोरम सामाजिक तितली थी, एक भीड़ भरी आर्ट गैलरी में उद्घाटन भर ध्यान के केंद्र उसकी हंसी हवा के झंकार की तरह बज रही थी। अगले दिन वो एक शांत कोने की छुपी हुई थी, जीवन के अर्थ के बारे में एक दार्शनिक चर्चा में खोई हुई थी। उसकी आंखें उस बुद्धिमत्ता से चमक रही थी जो नक्षत्रों से टक्कर सकती है। दूसरी ओर लियो के स्थिर हो गया था, वो स्वाभाविक तेजा जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चमक रहा था। उसके पास एक शांत आत्मविश्वास था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वो उनकी कॉलेज की बाहर से टीम का कप्तान था, उसका करिश्मा और वास्तविकता का सबसे गर्म तकों को भी विद्युत तर्कों में बदल देती थी। आत्मा की जीवंत अराजकता के विपरीत लियो व्यवस्था के संचार का सफल फूलता है, फिर भी वो उसे अन्य अप्रत्याशितों का अजीब तरह से आकर्षित लगी। उनकी पहली मुलाकात आकस्मिक थी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक आकस्मिक मुलाकात। अन्य और जो कभी योजनाकर्ता की खोगल भौतिकता पर किताब को तलाश में अपनी सामान्य अनुभव के भटक गई थी। लियो जो अपनी आगामी बहस के लिए शोध में डूबा हुआ था, ने ऊपर देखा और उसे देखा। उसके उग्र लाल बाल मंद दोषी और गलियारों में एक प्रकाशंत को तरसते थे। न्याय कि उसके गिरहाओं के बेखबर होकर अपनी सांसों की रंग पे गुनाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। ध्यान में लियो और भिटक एक राग खेल दिया, एक परिचित धुन जैसे वो ठीक समझ नहीं सकता है। उसके दिन हफ्तों के बदल गए और उनके रास्ते में एक दूसरे के टकरा रही थी। एक साझा कक्षा छात्रों कैफे में एक मौका मुलाकात भीड़ भरे छात्र संघ पर एक चोरी की नज़र, हर बार एक स्थायी भावना, एक जागरूकता ऐसी जिसे नफरत कर नहीं जा सकता था। अंततः एक कैंपस का ब्लैक में लियो के साहस जुटाया और न्याय के पास हुआ था। बहुत सुंदर था, उसके कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी, जिस तरह से अपने सितारों के बारे में भी बात की। ऐसा लगा कि जैसे आप उसके बीच रहे हो। न्याय की मुस्कुराई, उसकी आंखें उस मनोरंजन से चमक रही थी जिसमें लियो का अंदर से गर्म कर दिया था। धन्यवाद, उसके कहा। उनकी आवाज़ नरम रही थी। कविता मेरा लायन है, मेरे दिमाग में नाच रहे उनों का पीछा करने का एक तरीका है। उस रात तारे से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे उनकी बातचीत सहजता से ललची थी। न्याय के खोखोल वैज्ञानिक बनने मन के रहस्यों का जानने के सपनों के बारे में बात की। उसके जुनून से मोहित होकर लियो ने अपनी आकांक्षाएं वकील बनने के, न्याय के लिए लड़ने की अपनी इच्छा साझा की। जिसने इसे समय बीतता गया उसने शास्त्रीय संगीत के प्रति एक सपना प्रेम का एहसास हुआ। उनके बीच एक पसंदीदा किताब की तरह परिचित मौन का आरामदायक भार, उनका रिश्ता सितारों के लिखी कहानी की तरह सामने आया। पे एक रोमांचकर विरोध धाम से एक जुनून, एक प्रकाशरंत अचारों की ओर और खड़ा था। उसका नृत्य के आकाश को हर्षान कर रहा था। न्याय के लियो के नियंत्रण की आवश्यकता को चुनौती दी और उसे सहजता की सुंदरता से परिचित कराया। बदले में लियो ने न्याय के तूफानी विचारों के आधार पर प्रदान किया, जिसमें उसे अपने असामित ऊर्जा की केंद्रित प्रशंसों के लिए मदद मिली है। लेकिन सभी रिश्तों की तरह उनका रिश्ता भी चुनौतियों से प्रेरित था। न्याय की निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता अक्सर लियो की स्थिरता की इच्छा के टकराती है। अपने भविष्य की योजना बनाने की उनकी कोशिशें उसे न्याय की घुटन महसूस हुई, जबकि उसकी नियंत्रणकर्ता के लियो के स्पष्टता की आवश्यकता के निराश कर दिया था। उनके तर्क छोटे तूफानों की तरह भी भावुक और क्षणभपूर्ण, जो अपने पीछे चोट और भ्रम की छाप छोड़ गए थे। एक विशेष रूप से तूफानी शाम अपनी गर्म की छुट्टियों कहाँ बिलते के बाद गर्मगराहट बहस के बाद अन्याय के एक डफल बैग पैक किया और बाहर निकल गए। वो पूरी रात लक्षणहीन दंग से गाड़ी चलाती है ही। शहर की रोशनियाँ धुंधली होकर रंग की धारियों में बदल गई। आखिरकार उसने खुद को एक पहाड़ी के छोटे पर रखा और तारों से भरे रात की आकाश को देख रहे थे। उसके बचपन की यादें, अपने दादा जो एक सेवानिवृत्त मुगल शास्त्रियों से साथ घास पर लुटे हुए नक्षत्रों के एक शर्त के कूदते हुए याद गई। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत है, एक ज़मीनी ताकत, एक प्यार जो उसे वापस लौटने के लिए एक सुरक्षित बदलाव की पेशकश करते हुए तलाशने की जरूरत की समझाते हैं। अगली सुबह उसका दिल भारी लेकिन मन साफ था। वो लियो के अपार्टमेंट में वापस चली गई। वो अपनी बालकनी में और बैठा था। समूह का आकर्षक रंगी और गुलाबों के रंग में रंगा था। जैसे ही उसने उसे आते देखा, उसका चेहरा चिंता से भर गया। उनकी आंखें राहत से चमक उठी। अन्या उसके सांस ली। उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी। लियो उसके कहा कि उसने आंसू के लिए नज़र आ रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है। उस सबूत के उसकी बातचीत आसान नहीं थी। यह उनकी ज़रूरत और डर का एक कच्चा ईमानदार अन्वेषण था। अन्याय की प्रतिबद्धता के अपने डर कुछ न्याय करने की निरंतर चाहत स्वीकार किया, जो स्थिरता की अपनी इच्छा एक ऐसी भविष्य की आवश्यकता की स्वीकार की जिसे मिलकर वहाँ सके। लेकिन अपनी सुरक्षा में उन्होंने एक गहरी समझ की खोज की है। उन्होंने एहसास हुआ कि उनके मतभेद कमजोरियों नहीं बल्कि ताकतों थी। और न्याय की अपनी असीम ऊर्जा और अमृत जिज्ञासा के साथ लियो का अप्रत्याशित स्वतंत्रता को अपनाने के लिए अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लियो ने अपने अटूट निष्ठा और अमीन उपस्थिति के साथ न्याय को उसकी स्वतंत्र भावना के दबाए बिना वो भावनात्मक सहारा प्रदान किया जिसकी उसे चाहत थी। उन प्रेरणाओं और परिमाणों पर प्रकाश डालते हैं जो रक्तपात के निरंतर चक्रों को बढ़ावा देते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और इस क्रूर दुनिया में बिजली की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान एक में एक आकर्षक कलाकारों की टोली है। प्रत्येक सदस्य फिल्म की कहानी में जटिल जाल के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी सरदार खान के रूप में केंद्र में है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका कार्य और विकल्प कहानी को गति देते हैं। ऋचा चड्ढा ने सरदार खान की पहली पत्नी नगमा खातून की किरदार निभाया, जो अराजकता के बीच घरेलू चित्रों की झलक पेश करती है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान के बेटे में एक फैजल खान के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है, जिसका यात्रा सामने आने वाली नाटक के केंद्रों बन जाते हैं। उनका विरोध कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया, जो रामाधीर सिंह के चरित्रों को साकार करते हैं, जो एक दुर्जोय प्रतिद्वंदी है जो उसकी उपस्थिति पड़ी है। फिल्म की समृद्धि उन उल्लेखनीय अभिनेताओं के योगदान से और भी बढ़ गई है। विभूष मिश्रा, हिमा सेन, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, अनुरिता झा और अजमेल खान प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभा के सामने लाते हैं। उन पात्रों में जान फूंक देती है जो सत्ता संघर्ष के प्रतिशोध जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं। रिश्ते को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनका साहसिक प्रदर्शन विविध सत्ताओं और जय छदी तैयार करते हैं, जिनके प्रत्येक गैंग्स ऑफ वासेपुर भगवान की भावो कथा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने से चूक गई। भारत में फिल्म के 27.52 करोड़ का कलेक्शन के जिसे इसकी रिलीज के वर्ष 2012 में प्रचालित मानकों के आधार पर औसत से नीचे माना गया है। यह वित्तीय प्रदर्शन पहली नज़र में निराशाजनक लगा सकता है, हालांकि बदल के पर विचार करना महत्वपूर्ण है। फिल्म की अपराधगत कथा संरचना जो दर्शकों से चली आ रही और इसमें बड़े कलाकारों की मौजूदगी है जो सत्ता अधिक फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड के अपनी मधुताओं के दर्शकों के साथ मिले ना गए थे। इसके अलावा उसके विदेशी संग्रह भुगतान था कुल कमाई के लगभग 0.606 कमाई की। इस संदर्भ के कई कारकों के कारण है, जिसमें भारत में एक विशिष्ट छात्रों के संदर्भ पर फिल्म का फोकस अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उसके सांस्कृतिक बारीकियों का अनुभव करने का अनुमति चुनौती शामिल है। औसत से नीचे बॉक्स ऑफिस वर्गीकरण बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान ने अपनी साहसी कहानी, यादगार पात्रों और कच्चे निष्पादन के लिए आलोचनाओं को प्रशंसा प्राप्त की। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा ने फिल्म को अनूठी शौर्य परंपरागत कथा के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों में एक समर्पित बंद का बढ़ावा दिया है। यह फिल्म के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है जो साबित करता है कि आलोचनात्मक प्रशंसा के कलात्मक योजना कभी कभी कलात्मक कुख्या मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता को मात दे सकती है। अन्याय की बवंडर थी मिथुन राशि की एक महिला जिसका जन्म लग्न पर हुआ था, जिसने चिन्हों की दोनों किनारों के जीवन तीव्रता के साथ दर्शाया। एक पल में वो एक मनोरम सामाजिक तितली थी एक भीड़ भरी आर्ट गैलरी में उद्घाटन भर ध्यान के केंद्र उसकी हंसी हवा के झंकार की तरह बज रही थी। अगले दिन वो एक शांत कोने की छुपी हुई थी, जीवन के अर्थ के बारे में एक दार्शनिक चर्चा में खोई हुई थी। उसकी आंखें उस बुद्धिमत्ता से चमक रही थी जो नक्षत्रों से टक्कर सकती है। दूसरी ओर लियो के स्थिर हो गया था वो स्वाभाविक तेजा जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चमक रहा था। उसके पास एक शांत आत्मविश्वास था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वो उनके कॉलेज की बहस टीम का कप्तान था। उसका करिश्मा और वास्तविकता का सबसे गर्म तकों को भी विद्युत तत्वों में बदल देती थी। आत्मा की जीवंत आर्जकता के विपरीत लियो व्यवस्था के संचार का सफल फूलता है, फिर भी वो उसे अप्रत्याशितों का अजीब तरह से आकर्षित लगी। उनकी पहली मुलाकात आकस्मिक थी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक आकस्मिक मुलाकात। अन्य और जो कभी योजनाकर्ता की खोगल भौतिकता पर किताब को तलाश में अपनी सामान्य अनुभव के भटक गई थी। लियो जो अपनी आगामी बहस के लिए शोध में डूबा हुआ था ने ऊपर देखा और उसे देखा। उसके उग्र लाल बाल मंद दोषी और गलियारों में एक प्रकाशंत को तरसते थे। न्याय कि उसके गिरहाओं के बेखबर होकर अपनी सांसों की रंग पे गुनाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। ध्यान में लियो और भिटक एक राग खेर दिया, एक परिचित धुन जैसे वो ठीक समझ नहीं सकता है। उसके दिन हफ्तों के बदल गए और उनके रास्ते में एक दूसरे के टकरा रही थी। एक साझा कक्षा छात्रों कैफे में एक मौका मुलाकात भीड़ भरे छात्र संघ पर एक चोरी की नज़र। हर बार एक स्थायी भावना, एक जागरूकता ऐसी जिसे नफरत कर नहीं जा सकता था। अंततः एक कैंपस का ब्लैक में लियो के साहस जुटाया और न्याय के पास हुआ था। बहुत सुंदर था उसके कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी, जिस तरह से अपने सितारों के बारे में भी बात की। ऐसा लगा कि जैसे आप उसके बीच रहे हो। न्याय की मुस्कुराई। उसकी आंखें उस मनोरंजन से चमक रही थी जिसमें लियो का अंदर से गर्म कर दिया था। धन्यवाद उसके कहा। उनकी आवाज़ नरम गई थी। कविता मेरा लायन है, मेरे दिमाग में नाच रहे अपनों का पीछा करने का एक तरीका है। उस रात तारे से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे उनकी बातचीत सहजता से ललची थी। न्याय के खोखोल वैज्ञानिक बनने मन के रहस्यों का जानने के सपनों के बारे में बात की। उसके जुनून से मोहित होकर लियो ने अपनी आकांक्षाएं वकील बनने के न्याय के लिए लड़ने की अपनी इच्छा साझा की। जिसने इसे समय बीतता गया उसने शास्त्रीय संगीत के प्रति एक सपना प्रेम का एहसास हुआ। उनके बीच एक पसंदीदा किताब की तरह परिचित मौन का आरामदायक भार। उनका रिश्ता सितारों के लिखी कहानी की तरह सामने आया। पे एक रोमांचकर विरोध धाम से एक जुनून एक प्रकाशरंत आचारों की ओर और खड़ा था। उसका नृत्य के आकाश को हर्षान कर रहा था। न्याय के लियो के नियंत्रण की आवश्यकता को चुनौती दी और उसे सहजता की सुंदरता से परिचित कराया। बदले में लियो ने न्याय के तूफानी विचारों के आधार पर प्रदान किया जिसमें उसे अपने असामित ऊर्जा की केंद्रित प्रशंसों के लिए मदद मिली है। लेकिन सभी रिश्तों की तरह उनका रिश्ता भी चुनौतियों से प्रेरित था। न्याय की निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता अक्सर लियो की स्थिरता की इच्छा के टकराती है। अपने भविष्य की योजना बनाने की उनकी कोशिशें से न्याय की घुटन महसूस हुई, जबकि उसकी नियंत्रणकर्ता के लियो के स्पष्टता की आवश्यकता के निराश कर दिया था। उनके तर्क छोटे तूफानों की तरह भी भावुक और क्षणभवपूर्ण जो अपने पीछे चोट और भ्रम की छापों छोड़ गए थे। एक विशेष रूप से तूफानी शाम अपनी गर्म की छुट्टियों कहाँ बिलते के बाद गर्मगड़ाहट बहस के बाद न्याय के एक डफल बैग पैक किया और बाहर निकल गए। वो पूरी रात लक्षणहीन दंग से गड़ी चलाती है ही। शहर की रोशनियाँ धुंधली होकर रंग की धारियों में बदल गई। आखिरकार उसने खुद को एक पहाड़ी के छोटे पर रखा और तारों से भरे रात की आकाश को देख रहे थे। उसके बचपन की यादें, अपने दादा जो एक सेवानिवृत्त मुगल शास्त्रियों से साथ घास पर लुटे हुए नक्षत्रों के एक शर्त के कूदते हुए याद गई। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक ज़मीनी ताकत, एक प्यार जो उसे वापस लौटने के लिए एक सुरक्षित बदलाव के पेशकश करते हुए तलाशने की ज़रूरत की समझाते हैं। अगली सुबह उसका दिल भारी लेकिन मन साफ था। वो लियो के अपार्टमेंट में वापस चली गई। वो अपनी बालकनी में और बैठा था। समूह का आकर्षक रंगी और गुलाबों के रंग में रंगा था। जैसे ही उसने उसे आते देखा उसका चेहरा चिंता से भर गया। उनकी आंखें राहत से चमक उठी। अन्या उसके सांस ली। उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी। लियो उसके कहा कि उसने आंसू के लिए नज़र आ रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है। उस सबूत के उसकी बातचीत आसान नहीं थी। यह उनकी ज़रूरत और डर का एक कच्चा ईमानदार अन्वेषण था। अन्याय की प्रतिबद्धता के अपने डर कुछ न्याय करने के निरंतर चाहत स्वीकार किया जो स्थिरता की अपनी इच्छा एक ऐसे भविष्य की आवश्यकता की स्वीकार की जिसे मिलकर वहाँ सके। लेकिन अपनी सुरक्षा में उन्होंने एक गहरी समझ की खोज की है। उन्होंने एहसास हुआ कि उनके मतभेद कमजोरियों नहीं बल्कि ताकतों थी। और न्याय की अपनी असीम ऊर्जा और अमृत जिज्ञासा के साथ लियो का अप्रत्याशित स्वतंत्रता को अपनाने के लिए अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लियो ने अपने अटूट निष्ठा और अमीन उपस्थिति के साथ न्याय को उसकी स्वतंत्र भावना के दबाए बिना वो भावनात्मक सहारा प्रदान किया जिसकी उसे चाहत थी। उन प्रेरणाओं और परिमाणों पर प्रकाश डालते हैं जो रक्तपात के निरंतर चक्रों को बढ़ावा देते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और इस क्रूर दुनिया में बिजली की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान एक में एक आकर्षक कलाकारों की टोली है। प्रत्येक सदस्य फिल्म की कहानी में जटिल जाल के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी सरदार खान के रूप में केंद्र में है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका कार्य और विकल्प कहानी को गति देते हैं। ऋचा चड्ढा ने सरदार खान की पहली पत्नी नगमा खातून की किरदार निभाया जो अराजकता के बीच घरेलू चित्रों की झलक पेश करती है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान के बेटे में एक फैजल खान के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है जिसका यात्रा सामने आने वाली नाटक के केंद्रों बन जाते हैं। उनका विरोध कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया जो रामाधीर सिंह के चरित्रों को साकार करते हैं, जो एक दुर्जोय प्रतिद्वंदी है जो उसकी उपस्थिति पड़ी है। फिल्म की समृद्धि उन उल्लेखनीय अभिनेताओं के योगदान से और भी बढ़ गई है। विभूष मिश्रा, हिमा सेन, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, अनुरिता झा और अजमेल खान प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभा के सामने लाते हैं। उन पात्रों में जान फूंक देती है जो सत्ता संघर्ष के प्रतिशोध जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं। रिश्ते को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनका साहसिक प्रदर्शन विविध सत्ताओं और जय छदी तैयार करते हैं जिनके प्रत्येक गैंग्स ऑफ वासेपुर भगवान की भावुक कथा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने से चूक गई। भारत में फिल्म के 27.52 करोड़ का कलेक्शन के जिसे इसकी रिलीज के वर्ष 2012 में प्रचालित मानकों के आधार पर औसत से नीचे माना गया है। यह वित्तीय प्रदर्शन पहली नज़र में निराशाजनक लगा सकता है, हालांकि बदल के पर विचार करना महत्वपूर्ण है। फिल्म की अपराधगत कथा संरचना जो दर्शकों से चली आ रही और इसमें बड़े कलाकारों की मौजूदगी है जो सत्ता अधिक फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड के अपनी मधुताओं के दर्शकों के साथ मिले ना गए थे। इसके अलावा उसके विदेशी संग्रह भुगतान था कुल बुलमाई के लगभग 0.606 कमाई की। इस संदर्भ के कई कारकों के कारण है जिसमें भारत में एक विशिष्ट छात्रों के संदर्भ पर फिल्म का फोकस अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उसके सांस्कृतिक बारीकियों का अनुभव करने का अनुमति चुनौती शामिल है। औसत से नीचे बॉक्स ऑफिस वर्गीकरण बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान ने अपनी साहसी कहानी, यादगार पात्रों और कच्चे निष्पादन के लिए आलोचनाओं को प्रशंसा प्राप्त की। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा ने फिल्म को अनूठी शौर्य परंपरागत कथा के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों में एक समर्पित बंद का बढ़ावा दिया है। यह फिल्म के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है जो साबित करता है कि आलोचनात्मक प्रशंसा के कलात्मक योजना कभी कभी कलात्मक मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता को मात दे सकती है। अन्याय की भवंडर थी मिथुन राशि की एक महिला जिसका जन्म लग्न पर हुआ था, जिसने चिन्हों की दोनों किनारों की जीवन तीव्रता के साथ दर्शाया। एक पल में वो एक मनोरम सामाजिक तितली थी, एक भीड़ भरी आर्ट एंड गैलरी में उद्घाटन भर ध्यान के केंद्रों उसकी हंसी हवा के झंकार की तरह बज रही थी। अगले दिन वो एक शांत कोने की छुपी हुई थी, जीवन के अर्थ के बारे में एक दार्शनिक चर्चा में खोई हुई थी। उसकी आंखें उस बुद्धिमत्ता से चमक रही थी जो नक्षत्रों से टक्कर सकती है। दूसरी ओर लियो के स्थिर हो गया था वो स्वाभाविक तेजा जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चमक रहा था। उसके पास एक शांत आत्मविश्वास था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वो उनकी कॉलेज की बहस टीम का कप्तान था। उसका करिश्मा और वास्तविकता का सबसे गर्म तकों को भी विद्युत तत्वों में बदल देती थी। आत्मा की जीवंत अराजकता के विपरीत लियो व्यवस्था के संचार का सफल फूलता है, फिर भी वो उसे अन्य अप्रत्याशितों का अजीब तरह से आकर्षित लगी। उनकी पहली मुलाकात आकस्मिक थी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक आकस्मिक मुलाकात। अन्य और जो कभी योजनाकर्ता की खोगल भौतिकता पर किताब को तलाश में अपनी सामान्य अनुभव के भटक गई थी। लियो जो अपनी आगामी बहस के लिए शोध में डूबा हुआ था ने ऊपर देखा और उसे देखा उसके उग्र लाल लाल बाल मंद दोषी और गलियारों में एक प्रकाशंत को तरसते थे। न्याय की उसकी गिरहाओं के बेखबर होकर अपनी सांसों की रंग पे उन्होंने गुनाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। ध्यान में लिया और भिटक एक राग खेर दिया, एक परिचित धुन जैसे वो ठीक समझ नहीं सकता है। उसके दिन हफ्तों के बदल गए और उनके रास्ते में एक दूसरे के टकरा रही थी। एक साझा कक्षा छात्रों कैफे में एक मौका मुलाकात, भीड़ भरे छात्र संघ पर एक चोरी की नज़र, हर बार एक स्थायी भावना, एक जागरूकता सी जिसे नफरत कर नहीं जा सकता था। अंततः एक कैंपस का ब्लैक में लियो के साहस जुटाया और नए के पास हुआ था। बहुत सुंदर था उसके कहा, उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी, जिस तरह से अपने सितारों के बारे में भी बात की। ऐसा लगा कि जैसे आप उसके बीच रहे हो। नायक मुस्कुराए, उसकी आंखें उस मनोरंजन से चमक रही थी जिसमें लियो का अंदर से गर्म कर दिया था। धन्यवाद उसके कहा, उनकी आवाज़ नरम गई थी। कविता मेरा लायन है, मेरे दिमाग में नाच रहे अपनों का पीछा करने का एक तरीका है। उस रात तारे से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे उनकी बातचीत सहजता से ललची थी। न्याय के खोखोल वैज्ञानिक बनने मन के रहस्यों का जानने के सपनों के बारे में बात की। उसके जुनून से मोहित होकर लियो ने अपनी आकांक्षाएं वकील बनने के, न्याय के लिए लड़ने की अपनी इच्छा साझा की। जिसने इसे समय बीतता गया उसने शास्त्रीय संगीत के प्रति एक सपना प्रेम का एहसास हुआ। उनके बीच एक पसंदीदा किताब की तरह परिचित मौन का आरामदायक भार, उनका रिश्ता सितारों के लिखी कहानी की तरह सामने आया। पे एक रोमांचकर विरोध धाम से एक जुनून, एक प्रकाशरंत आचारों की ओर और खड़ा था। उसका नृत्य के आकाश को हर्षान कर रहा था। न्याय के लियो के नियंत्रण की आवश्यकता को चुनौती दी और उसे सहजता की सुंदरता से परिचित कराया। बदले में लियो ने न्याय के तूफानी विचारों के आधार पर प्रदान किया, जिसमें उसे अपने असामित ऊर्जा की केंद्रित प्रशंसों के लिए मदद मिली है। लेकिन सभी रिश्तों की तरह उनका रिश्ता भी चुनौतियों से प्रेरित था। न्याय की निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता अक्सर लियो की स्थिरता की इच्छा के टकराती है। अपने भविष्य की योजना बनाने की उनकी कोशिशें से न्याय की घुटन महसूस हुई, जबकि उसकी नियंत्रणकर्ता के लियो के स्पष्टता की आवश्यकता के निराश कर दिया था। उनके तर्क छोटे तूफानों की तरह भी भावुक और क्षणभवपूर्ण, जो अपने पीछे चोट और भ्रम की छापों छोड़ गए थे। एक विशेष रूप से तूफानी शाम, अपनी गर्म की छुट्टियों कहाँ बिलने के बाद गर्मगराहट बहस के बाद अन्याय के एक डफल बैग पैक किया और बाहर निकल गए। वो पूरी रात लक्षणहीन दंग से गड़ी चलाती है ही। शहर की रोशनियाँ धुंधली होकर रंग की धारियों में बदल गई। आखिरकार उसने खुद को एक पहाड़ी के छोटे पर रखा और तारों से भरे रात की आकाश को देख रहे थे। उसके बचपन की यादें, अपने दादा जो एक सेवानिवृत्त भूगोल शास्त्रियों के साथ घास पर लुटे हुए नक्षत्रों के एक शरत के कूदते हुए याद गई। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक ज़मीनी ताकत, एक प्यार जो उसे वापस लौटने के लिए एक सुरक्षित बदलाव की पेशकश करते हुए तरसने की ज़रूरत की समझाते हैं। अगली सुबह उसका दिल भारी लेकिन मन साफ था। वो लियो के अपार्टमेंट में वापस चली गई। वो अपनी बालकनी में और बैठा था। समूह का आकर्षक रंगी और गुलाबों के रंग में रंगा था। जैसे ही उसने उसे आते देखा, उसका चेहरा चिंता से भर गया। उनकी आंखें राहत से चमक उठी। अन्या उसके सांस ली, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी। लियो उसके कहा कि उसने आंसू के लिए नज़र आ रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है। उस सबूत के उसकी बातचीत आसान नहीं थी। यह उनकी ज़रूरत और डर का एक कच्चा ईमानदार अन्वेषण था। अन्याय की प्रतिबद्धता के अपने डर, कुछ न्याय करने के निरंतर चाहत स्वीकार किया, जो स्थिरता की अपनी इच्छा, एक ऐसे भविष्य की आवश्यकता की स्वीकार की जिसे मिलकर वहाँ सके। लेकिन अपनी सुरक्षा में उन्होंने एक गहरी समझ की खोज की है। उन्होंने एहसास हुआ कि उनके मतभेद कमजोरियों नहीं बल्कि ताकतों थी। और न्याय की अपनी असीम ऊर्जा और अमृत जिज्ञासा के साथ लियो का अप्रत्याशित स्वतंत्रता को अपनाने के लिए, अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लियो ने अपने अटूट निष्ठा और अमीन उपस्थिति के साथ न्याय को उसकी स्वतंत्र भावना के दबाए बिना वो भावनात्मक सहारा प्रदान किया जिसकी उसे चाहत थी। उन प्रेरणाओं और परिमाणों पर प्रकाश डालते हैं जो रक्तपात के निरंतर चक्रों को बढ़ावा देते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और इस क्रूर दुनिया में बिजली की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान एक में एक आकर्षक कलाकारों की टोली है। प्रत्येक सदस्य फिल्म की कहानी में जटिल जाल के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी सरदार खान के रूप में केंद्र में है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका कार्य और विकल्प कहानी को गति देते हैं। ऋचा चड्ढा ने सरदार निसार खान की पहली पत्नी नगमा खातून की किरदार निभाया, जो अराजकता के बीच घरेलू चित्रों की झलक पेश करती है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान के बेटे में एक फैजल खान के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है, जिसका यात्रा सामने आने वाली नाटक के केंद्रों बन जाते हैं। उनका विरोध कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया, जो रामाधीर सिंह के चरित्रों को साकार करते हैं, जो एक दुर्जोय प्रतिद्वंदी है जो उसकी उपस्थिति पड़ी है। फिल्म की समृद्धि उनने उल्लेखनीय अभिनेताओं के योगदान से और भी बढ़ गई है। विभूष मिश्रा, हिमा सेन, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, अनुरिता झा और अजमेल खान प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभा के सामने लाते हैं। उन पात्रों में जान फूंक देती है जो सत्ता, संघर्ष, प्रतिशोध जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं। रिश्ते को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनका साहसिक प्रदर्शन विविध सत्ताओं और जय छदी तैयार करते हैं, जिनके प्रत्येक गैंग्स ऑफ वासेपुर भगवान की भावुक कथा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने से चूक गई। भारत में फिल्म के 27.52 करोड़ का कलेक्शन के, जिसे इसकी रिलीज के वर्ष 2012 में प्रचालित मानकों के आधार पर औसत से नीचे माना गया है। यह वित्तीय प्रदर्शन पहली नज़र में निराशाजनक लगा सकता है, हालांकि बदल के पर विचार करना महत्वपूर्ण है। फिल्म की अपराधगत कथा संरचना जो दर्शकों से चली आ रही और इसमें बड़े कलाकारों की मौजूदगी है, जो सत्ता अधिक फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड के अपनी मधुताओं के दर्शकों के साथ मिले ना गए थे। इसके अलावा उसके विदेशी संग्रह भुगतान था कुल मिलमाई के लगभग 0.606 कमाई की। इस संदर्भ के कई कारकों के कारण है, जिसमें भारत में एक विशिष्ट छात्रों के संदर्भ पर फिल्म का फोकस, अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उसके सांस्कृतिक बारीकियों का अनुभव करने का अनुमति चुनौती शामिल है। औसत से नीचे बॉक्स ऑफिस वर्गीकरण बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान ने अपनी साहसी कहानी, यादगार पात्रों और कच्चे निष्पादन के लिए आलोचनाओं को प्रशंसा प्राप्त की। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा ने फिल्म को अनूठी शौर्य परंपरागत कथा के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों में एक समर्पित बंद का बढ़ावा दिया है। यह फिल्म के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है, जो साबित करता है कि आलोचनात्मक प्रशंसा के कलात्मक योजना कभी कभी कलात्मक कुखा मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता को मात दे सकती है। अन्याय की भवंडर थी मिथुन राशि की एक महिला, जिसका जन्म लग्न पर हुआ था, जिसने चिन्हों की दोनों किनारों के जीवन तीव्रता के साथ दर्शाया। एक पल में वो एक मनोरम सामाजिक तितली थी, एक भीड़ भरी आर्ट गैलरी में उद्घाटन भर ध्यान के केंद्र उसकी हंसी हवा की झंझार की तरह बज रही थी। अगले दिन वो एक शांत कोने की छुपी हुई थी, जीवन के अर्थ के बारे में एक दार्शनिक चर्चा में खोई हुई थी। उसकी आंखें उस बुद्धिमत्ता से चमक रही थी जो नक्षत्रों से टक्कर सकती है। दूसरी ओर लियो के स्थिर हो गया था, वो स्वाभाविक तेजा जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चमक रहा था। उसके पास एक शांत आत्मविश्वास था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वो उनकी कॉलेज की बहस टीम का कप्तान था। उसका करिश्मा और वास्तविकता का सबसे गर्म तकों को भी विद्युत तत्वों में बदल देती थी। आत्मा की जीवंत अराजकता के विपरीत लियो व्यवस्था के संचार का सफल फूलता है, फिर भी वो उसे अन्य अप्रत्याशितों का अजीब तरह से आकर्षित लगी। उनकी पहली मुलाकात आकस्मिक थी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक आकस्मिक मुलाकात। अन्य और जो कभी योजनाकर्ता की खोगल भौतिकता पर किताब को तलाश में अपनी सामान्य अनुभव के भटक गई थी। लियो, जो अपनी आगामी बहस के लिए शोध में डूबा हुआ था, ने ऊपर देखा और उसे देखा। उसके उग्र लाल बाल मंद दोषी और गलियारों में एक प्रकाशंत को तरसते थे। न्याय की उसकी गिराहों के बेखबर होकर अपनी सांसों की रंग पे गुनाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। ध्यान में लियो और भटक एक राग खेल दिया, एक परिचित धुन जैसे वो ठीक समझ नहीं सकता है। उसके दिन हफ्तों के बदल गए और उनके रास्ते में एक दूसरे के टकरा रही थी। एक साझा कक्षा छात्रों कैफे में एक मौका मुलाकात, भीड़ भरे छात्र संघ पर एक चोरी की नज़र, हर बार एक स्थायी भावना, एक जागरूकता ऐसी जिसे नफरत कर नहीं जा सकता था। अंततः एक कैंपस का ब्लैक में लियो के साहस जुटाया और नए के पास हुआ था। बहुत सुंदर था, उसके कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी, जिस तरह से अपने सितारों के बारे में भी बात की। ऐसा लगा कि जैसे आप उसके बीच रहे हो। अन्याय की मुस्कुराई, उसकी आंखें उस मनोरंजन से चमक रही थी जिसमें लियो को अंदर से गर्म कर दिया था। धन्यवाद, उसके कहा। उनकी आवाज़ नरम गई थी। कविता मेरा लायन है, मेरे दिमाग में नाच रहे अपनों का पीछा करने का एक तरीका है। उस रात तारे से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे उनकी बातचीत सहजता से ललची थी। न्याय के खोखोल वैज्ञानिक बनने मन के रहस्यों का, जानने के सपनों के बारे में बात की। उसके जुनून से मोहित होकर लियो ने अपनी आकांक्षाएं वकील बनने के, न्याय के लिए लड़ने की अपनी इच्छा साझा की। जिसने इसे समय बीतता गया उसने शास्त्रीय संगीत के प्रति एक सपना प्रेम का एहसास हुआ। उनके बीच एक पसंदीदा किताब की तरह परिचित मौन का आरामदायक भार, उनका रिश्ता सितारों के लिखी कहानी की तरह सामने आया। पे एक रोमांचक विरोध धाम से एक जुनून, एक प्रकाशरंत आचारों की ओर और खड़ा था। उसका नृत्य रात के आकाश को हर्षान कर रहा था। न्याय के लियो के नियंत्रण की आवश्यकता को चुनौती दी और उसे सहजता की सुंदरता से परिचित कराया। बदले में लियो ने न्याय के तूफानी विचारों के आधार पर प्रदान किया, जिसमें उसे अपने असामित ऊर्जा की केंद्रित प्रशंसकों के लिए मदद मिली है। लेकिन सभी रिश्तों की तरह उनका रिश्ता भी चुनौतियों से प्रेरित था। न्याय की निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता अक्सर लियो की स्थिरता की इच्छा के टकराती है। अपने भविष्य की योजना बनाने की उनकी कोशिशें उसे न्याय की घुटन महसूस हुई, जबकि उसकी नियंत्रणकर्ता के लियो के स्पष्टता की आवश्यकता के निराश कर दिया था। उनके तर्क छोटे तूफानों की तरह भी भावुक और क्षणभवपूर्ण, जो अपने पीछे चोट और भ्रम की छापू छोड़ गए थे। एक विशेष रूप से तूफानी शाम अपनी गर्म की छुट्टियों कहाँ बिलते के बाद गर्मगराहट बहस के बाद न्याय के एक डफल बैग पैक किया और बाहर निकल गए। वो पूरी रात लक्षणहीन ढंग से गाड़ी चलाती है ही। शहर की रोशनियाँ धुंधली होकर रंग की धारियों में बदल गई। आखिरकार उसने खुद को एक पहाड़ी के छोटे पर रखा और तारों से भरे रात की आकाश को देख रहे थे। उसके बचपन की यादें, अपने दादा जो एक सेवानिवृत्त मुगल शास्त्रियों से साथ घास पर लुटे हुए नक्षत्रों के एक शरत के कूदते हुए याद गई। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक ज़मीनी ताकत, एक प्यार जो उसे वापस लौटने के लिए एक सुरक्षित बदलाव की पेशकश करते हुए तलाशने की ज़रूरत की समझाते हैं। अगली सुबह उसका दिल भारी लेकिन मन साफ था। वो लियो के अपार्टमेंट में वापस चली गई। वो अपनी बालकनी में और बैठा था। समूह का आकर्षक नंदी और गुलाबों के रंग में रंगा था। जैसे ही उसने उसे आते देखा उसका चेहरा चिंता से भर गया। उनकी आंखें राहत से चमक उठी। अन्या उसके सांस ली, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी। लियो उसके कहा कि उसने आंसू के लिए नज़र आ रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है। उस सबूत के उसकी बातचीत आसान नहीं थी। यह उनकी ज़रूरत और डर का एक कच्चा ईमानदार अन्वेषण था। अन्याय की प्रतिबद्धता के अपने डर कुछ न्याय करने के निरंतर चाहता स्वीकार किया, जो स्थिरता की अपनी इच्छा एक ऐसे भविष्य की आवश्यकता की स्वीकार की जिसे मिलकर वहाँ सके। लेकिन अपनी सुरक्षा में उन्होंने एक गहरी समझ की खोज की है। उन्होंने एहसास हुआ कि उनके मतभेद कमजोरियों नहीं बल्कि ताकतों थी। और न्याय की अपनी असीम ऊर्जा और अमृत जिज्ञासा के साथ लियो का अप्रत्याशित स्वतंत्रता को अपनाने के लिए अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लियो ने अपने अटूट निष्ठा और अमीन उपस्थिति के साथ न्याय को उसकी स्वतंत्र भावना के दबाए बिना वो भावनात्मक सहारा प्रदान किया जिसकी उसे चाहत थी। उन प्रेरणाओं और परिमाणों पर प्रकाश डालते हैं जो रक्तपात के निरंतर चक्रों को बढ़ावा देते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और इस क्रूर दुनिया में बिजली की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान एक में एक आकर्षक कलाकारों की टोली है। प्रत्येक सदस्य फिल्म की कहानी में जटिल जाल के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी सरदार खान के रूप में केंद्रों में है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका कार्य और विकल्प कहानी को गति देते हैं। ऋचा चड्ढा ने सरदार खान की पहली पत्नी नगमा खातून की किरदार निभाया, जो अराजकता के बीच घरेलू चित्रों की झलक पेश करती है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान के बेटे में एक फैजल खान के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है, जिसका यात्रा सामने आने वाली नाटक के केंद्रों बन जाते हैं। उनका विरोध कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया, जो रामाधीर सिंह के चरित्रों को साकार करते हैं, जो एक दुर्जोय प्रतिद्वंदी है जो उसकी उपस्थिति पड़ी है। फिल्म की समृद्धि उन्हें उल्लेखनीय अभिनेताओं के योगदान से और भी बढ़ गई है। विभूष मिश्रा, रीमा सेन, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, अनुरिता झा और अजमेल खान प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभा के सामने लाते हैं। उन पात्रों में जान फूंक देती है जो सत्ता संघर्ष के प्रतिशोध जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं। रिश्ते को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनका साहसिक प्रदर्शन विविध सत्ताओं और जय छदी तैयार करते हैं, जिनके प्रत्येक गैंग्स ऑफ वासेपुर भगवान की भावुक कथा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने से चूक गई। भारत में फिल्म के 27.52 करोड़ का कलेक्शन के जिसे इसकी रिलीज के वर्ष 2012 में प्रचालित मानकों के आधार पर औसत से नीचे माना गया है। यह वित्तीय प्रदर्शन पहली नज़र में निराशाजनक लगा सकता है, हालांकि बदल के ऊपर विचार करना महत्वपूर्ण है। फिल्म की अपराधगत कथा संरचना जो दर्शकों से चली आ रही और इसमें बड़े कलाकारों की मौजूदगी है जो सत्ता अधिक फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड के अपनी बंधुताओं के दर्शकों के साथ मिलन आ गए थे। इसके अलावा उसके विदेशी संग्रह भुगतान था कुल बुलमाई के लगभग 0.606 कमाई की। इस संदर्भ के कई कारकों के कारण है जिसमें भारत में एक विशिष्ट छात्रों के संदर्भ पर फिल्म का फोकस अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उसके सांस्कृतिक बारीकियों का अनुभव करने का अनुमति चुनौती शामिल है। औसत से नीचे बॉक्स ऑफिस वर्गियों के बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान ने अपनी साहसी कहानी यादगार पात्रों और कच्चे निष्पादन के लिए आलोचनाओं को प्रशंसा प्राप्त की। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा ने फिल्म को अनूठी शौर्य परंपरागत कथा के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों में एक समर्पित बंद का बढ़ावा दिया है। ये फिल्म के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है जो साबित करता है कि आलोचनात्मक प्रशंसा के कलात्मक योजना कभी कभी कलात्मक मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता को मात दे सकती है। अन्याय की भवंडर थी मिथुन राशि की एक महिला जिसका जन्म लग्न पर हुआ था, जिसने चिन्हों की दोनों किनारों के जीवन तीव्रता के साथ दर्शाया। एक पल में वो एक मनोरम सामाजिक तितली थी, एक भीड़ भरी आर्ट गैलरी में उद्घाटन भर ध्यान के केंद्र उसकी हंसी हवा की झंकार की तरह बज रही थी। अगले दिन वो एक शांत कोने की छुपी हुई थी, जीवन के अर्थ के बारे में एक दार्शनिक चर्चा में खोई हुई थी। उसकी आंखें उस बुद्धिमत्ता से चमक रही थी जो नक्षत्रों से टक्कर सकती है। दूसरी ओर लियो के स्थिर हो गया था, वो स्वाभाविक तेजा जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चमक रहा था। उसके पास एक शांत आत्मविश्वास था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वो उनकी कॉलेज की बहस टीम का कप्तान था, उसका करिश्मा और वास्तविकता का सबसे गर्म तकों को भी विद्युत तर्कों में बदल देती थी। आत्मा की जीवंत आर्जकता के विपरीत लियो व्यवस्था के संचार का सफल फूलता है, फिर भी वो उसे अप्रत्याशित का अजीब तरह से आकर्षित लगी। उनकी पहली मुलाकात आकस्मिक थी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक आकस्मिक मुलाकात। अन्य और जो कभी योजनाकर्ता की खोगल भौतिकता पर किताब को तलाश में अपनी सामान्य अनुभव के भटक गई थी। लियो जो अपनी आगामी बहस के लिए शोध में डूबा हुआ था ने ऊपर देखा और उसे देखा। उसके उग्र लाल बाल मंद दोषी और गलियारों में एक प्रकाशंत को तरसते थे। न्याय की उसके गिरहाओं के बेखबर होकर अपनी सांसों की रंग पे गुनाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। ध्यान में लियो और भिटक एक राग खेल दिया, एक परिचित धुन जैसे वो ठीक समझ नहीं सकता है। उसके दिन हफ्तों के बदल गए और उनके रास्ते में एक दूसरे के टकरा रही थी। एक साझा कक्षा छात्रों कैफे में एक मौका मुलाकात भीड़ भरे छात्र संघ पर एक चोरी की नज़र हर बार एक स्थायी भावना, एक जागरूकता ऐसी जिसे नफरत कर नहीं जा सकता था। अंतत एक कैंपस का ब्लैक में लियो के साहस जुटाया और नए के पास हुआ था। बहुत सुंदर था, उसके कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी, जिस तरह से अपने सितारों के बारे में भी बात की। ऐसा लगा कि जैसे आप उसके बीच रहे हो। नए की मुस्कुराए, उसकी आंखें उस मनोरंजन से चमक रही थी जिसमें लियो का अंदर से गर्म कर दिया था। धन्यवाद, उसके कहा। उनकी आवाज़ नरम गई थी। कविता मेरा लायन है, मेरे दिमाग में नाच रहे अपनों का पीछा करने का एक तरीका है। उस रात तारे से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे उनकी बातचीत सहजता से ललची थी। न्याय के खोखोल वैज्ञानिक बनने मन के रहस्यों का जानने के सपनों के बारे में बात की। उसके जुनून से मोहित होकर लियो ने अपनी आकांक्षाएं वकील बनने के न्याय के लिए लड़ने की अपनी इच्छा साझा की। जिसने इसे समय बीतता गया उसने शास्त्रीय संगीत के प्रति एक सपना प्रेम का एहसास हुआ। उनके बीच एक पसंदीदा किताब की तरह परिचित मौन का आरामदायक भार, उनका रिश्ता सितारों के लिखी कहानी की तरह सामने आया। पे एक रोमांचकर विरोध धाम से एक जुनून एक प्रकाशरंत अचारों की ओर और खड़ा था। उसका नृत्य रात के आकाश को हर्षान कर रहा था। न्याय के लियो के नियंत्रण की आवश्यकता को चुनौती दी और उसे सहजता की सुंदरता से परिचित कराया। बदले में लियो ने न्याय के तूफानी विचारों के आधार पर प्रदान किया जिसमें उसे अपने असामित ऊर्जा की केंद्रित प्रशंसों के लिए मदद मिली है। लेकिन सभी रिश्तों की तरह उनका रिश्ता भी चुनौतियों से प्रेरित था। न्याय की निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता अक्सर लियो की स्थिरता की इच्छा के टकराती है। अपने भविष्य की योजना बनाने की उनकी कोशिशें उसे न्याय की घुटन महसूस हुई, जबकि उसकी नियंत्रणकर्ता के लियो के स्पष्टता की आवश्यकता के निराश कर दिया था। उनके तर्क छोटे तूफानों की तरह भी भावुक और क्षणभपूर्ण जो अपने पीछे चोट और भ्रम की छाप छोड़ गए थे। एक विशेष रूप से तूफानी शाम अपनी गर्म की छुट्टियों कहाँ बिलते के बाद गर्मगड़ाहट बहस के बाद अन्याय के एक डफल बैग पैक किया और बाहर निकल गए। वो पूरी रात लक्षणहीन दंग से गाड़ी चलाती है ही। शहर की रोशनियाँ धुंधली होकर रंग की धारियों में बदल गई। आखिरकार उसने खुद को एक पहाड़ी के छोटे पर रखा और तारों से भरे रात की आकाश को देख रहे थे। उसके बचपन की यादें, अपने दादा जो एक सेवानिवृत्त मुगल शास्त्रियों से साथ घास पर लुटे हुए नक्षत्रों के एक शर्त के कूदते हुए याद गई। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक ज़मीनी ताकत, एक प्यार जो उसे वापस लौटने के लिए एक सुरक्षित बदलाव की पेशकश करते हुए तरसने की ज़रूरत की समझाते हैं। अगली सुबह उसका दिल भारी लेकिन मन साफ था। वो लियो के अपार्टमेंट में वापस चली गई। वो अपनी बालकनी में और बैठा था। समूह का आकर्षक रंगी और गुलाबों के रंग में रंगा था। जैसे ही उसने उसे आते देखा, उसका चेहरा चिंता से भर गया। उनकी आंखें राहत से चमक उठी। अन्या उसके सांस ली। उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी। लियो उसके कहा कि उसने आंसू के लिए नज़र आ रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है। उस सबूत के उसकी बातचीत आसान नहीं थी। यह उनकी ज़रूरत और डर का एक कच्चा ईमानदार अन्वेषण था। अन्याय की प्रतिबद्धता के अपने डर कुछ न्याय करने के निरंतर चाहता स्वीकार किया, जो स्थिरता की अपनी इच्छा एक ऐसे भविष्य की आवश्यकता की स्वीकार की जिसे मिलकर वहाँ सके। लेकिन अपनी सुरक्षा में उन्होंने एक गहरी समझ की खोज की है। उन्होंने एहसास हुआ कि उनके मतभेद कमजोरियों नहीं बल्कि ताकतों थी। और न्याय की अपनी असीम ऊर्जा और अमृत जिज्ञासा के साथ लियो का अप्रत्याशित स्वतंत्रता को अपनाने के लिए अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लियो ने अपने अटूट निष्ठा और अमीन उपस्थिति के साथ न्याय को उसकी स्वतंत्र भावना के दबाए बिना वो भावनात्मक सहारा प्रदान किया जिसकी उसे चाहत थी। उन प्रेरणाओं और परिमाणों पर प्रकाश डालते हैं जो रक्तपात के निरंतर चक्रों को बढ़ावा देते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और इस क्रूर दुनिया में बिजली की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान एक आकर्षक कलाकारों की टोली है। प्रत्येक सदस्य फिल्म की कहानी में जटिल जाल के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी सरदार खान के रूप में केंद्र में है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका कार्य और विकल्प कहानी को गति देते हैं। ऋचा चड्ढा ने सरदार खान की पहली पत्नी नगमा खातून की किरदार निभाया, जो अराजकता के बीच घरेलू चित्रों की झलक पेश करती है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान के बेटे में एक फैजल खान के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है, जिसका यात्रा सामने आने वाली नाटक के केंद्रों बन जाते हैं। उनका विरोध कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया, जो रामाधीर सिंह के चरित्रों को साकार करते हैं, जो एक दुर्जोय प्रतिद्वंदी है जो उसकी उपस्थिति पड़ी है। फिल्म की समृद्धि उन्हें उल्लेखनीय अभिनेताओं के योगदान से और भी बढ़ गई है। विभूष मिश्रा, रीमा सेन, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, अनुरिता झा और अजमेल खान प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभा के सामने लाते हैं। उन पात्रों में जान फूंक देती हैं जो सत्ता संघर्ष के प्रतिशोध जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं। रिश्ते को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनका साहसिक प्रदर्शन विविध सत्ताओं और जय छदी तैयार करते हैं, जिनके प्रत्येक गैंग्स ऑफ वासेपुर भगवान की भावुक कथा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने से चूक गई। भारत में फिल्म के 27.52 करोड़ का कलेक्शन के जिसे इसकी रिलीज के वर्ष 2012 में प्रचालित मानकों के आधार पर औसत से नीचे माना गया है। यह वित्तीय प्रदर्शन पहली नज़र में निराशाजनक लगा सकता है, हालांकि बदल के पर विचार करना महत्वपूर्ण है। फिल्म की अपराधगत कथा संरचना जो दर्शकों से चली आ रही और इसमें बड़े कलाकारों की मौजूदगी है जो सत्ता अधिक फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड के अपनी मधुताओं के दर्शकों के साथ मिले ना गए थे। इसके अलावा उसके विदेशी संग्रह भुगतान था कुल बुलमाई के लगभग 0.606 कमाई की। इस संदर्भ के कई कारकों के कारण है, जिसमें भारत में एक विशिष्ट छात्रों के संदर्भ पर फिल्म का फोकस, अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उसके सांस्कृतिक बारीकियों का अनुभव करने का अनुमति चुनौती शामिल है। औसत से नीचे बॉक्स ऑफिस वर्गीकरण बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान ने अपनी साहसिक कहानी, यादगार पात्रों और कच्चे निष्पादन के लिए आलोचनाओं को प्रशंसा प्राप्त की। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा ने फिल्म को अनूठी शौर्य परंपरागत कथा के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों में एक समर्पित बंद का बढ़ावा दिया है। यह फिल्म के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है जो साबित करता है कि आलोचनात्मक प्रशंसा के कलात्मक योजना कभी कभी कलात्मक मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता को मात दे सकती है। अन्याय की भवंडर थी मिथुन राशि की एक महिला जिसका जन्म लग्न पर हुआ था, जिसने चिन्ह किसानों की दोनों किरारों के जीवन तीव्रता के साथ दर्शाया। एक पल में वो एक मनोरम सामाजिक तितली थी, एक भीड़ भरी आर्ट गैलरी में उद्घाटन भर ध्यान के केंद्र उसकी हंसी हवा की झंकार की तरह बज रही थी। अगले दिन वो एक शांत कोने की छुपी हुई थी, जीवन के अर्थ के बारे में एक दार्शनिक चर्चा में खोई हुई थी। उसकी आंखें उस बुद्धिमत्ता से चमक रही थी जो नक्षत्रों से टक्कर सकती है। दूसरी ओर लियो के स्थिर हो गया था, वो स्वाभाविक तेजा जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चमक रहा था। उसके पास एक शांत आत्मविश्वास था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वो उनकी कॉलेज की बहस टीम का कप्तान था। उसका करिश्मा और वास्तविकता का सबसे गर्म तकों को भी विद्युत तर्कों में बदल देती थी। आत्मा की जीवंत आर्जकता के विपरीत लियो व्यवस्था के संचार का सफल फूलता है, फिर भी वो उसे अन्य प्रतिष्ठायित्व का अजीब तरह से आकर्षित लगी। उनकी पहली मुलाकात आकस्मिक थी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक आकस्मिक मुलाकात। अन्य और जो कभी योजनाकर्ता की खगोल भौतिकता पर किताब को तलाश में अपनी सामान्य अनुभव के भटक गई थी। लियो जो अपनी आगामी बहस के लिए शोध में डूबा हुआ था ने ऊपर देखा और उसे देखा। उसके उग्र लाल बाल मंद दोषी और गलियारों में एक प्रकाशंत को तरसते थे। न्याय कि उसकी गिराहों के बेखबर होकर अपनी सांसों की रंग पे गुनाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। ध्यान में लियो और भिटक एक राग खेर दिया, एक परिचित धुन जैसे वो ठीक समझ नहीं सकता है। उसके दिन हफ्तों के बदल गए और उनके रास्ते में एक दूसरे के टकरा रही थी। एक साझा कक्षा छात्रों कैफे में एक मौका मुलाकात, भीड़ भरे छात्र संघ पर एक चोरी की नज़र, हर बार एक स्थायी भावना, एक जागरूकता ऐसी जिसे नफरत कर नहीं जा सकता था। अंततः एक कैंपस का ब्लैक में लियो के साहस जुटाया और नए के पास हुआ था। बहुत सुंदर था, उसके कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी, जिस तरह से अपने सितारों के बारे में भी बात की। ऐसा लगा कि जैसे आप उसके बीच रहे हो। नायक मुस्कुराए, उसकी आंखें उस मनोरंजन से चमक रही थी जिसमें लियो का अंदर से गर्म कर दिया था। धन्यवाद, उसके कहा। उनकी आवाज़ नरम गई थी। कविता मेरा लायन है, मेरे दिमाग में नाच रहे अपनों का पीछा करने का एक तरीका है। उस रात तारे से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे उनकी बातचीत सहजता से ललची थी। न्याय के खगोल वैज्ञानिक बनने मन के रहस्यों का जानने के सपनों के बारे में बात की। उसके जुनून से मोहित होकर लियो ने अपनी आकांक्षाएं वकील बनने के, न्याय के लिए लड़ने की अपनी इच्छा साझा की। जिसने इसे समय बीतता गया उसने शास्त्रीय संगीत के प्रति एक सपना प्रेम का एहसास हुआ। उनके बीच एक पसंदीदा किताब की तरह परिचित मौन का आरामदायक भार, उनका रिश्ता सितारों के लिखी कहानी की तरह सामने आया। पे एक रोमांचक विरोध धाम से एक जुनून, एक प्रकाशरंत अचारों की ओर और खड़ा था। उसका नृत्य के आकाश को हर्षान कर रहा था। न्याय के लियो के नियंत्रण की आवश्यकता को चुनौती दी और उसे सहजता की सुंदरता से परिचित कराया। बदले में लियो ने न्याय के तूफानी विचारों के आधार पर प्रदान किया, जिसमें उसे अपने असामित ऊर्जा की केंद्रित प्रशंसों के लिए मदद मिली है। लेकिन सभी रिश्तों की तरह उनका रिश्ता भी चुनौतियों से प्रेरित था। न्याय की निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता अक्सर लियो की स्थिरता की इच्छा के टकराती है। अपने भविष्य की योजना बनाने की उनकी कोशिशें से न्याय की घुटन महसूस हुई, जबकि उसकी नियंत्रणकर्ता के लियो के स्पष्टता की आवश्यकता के निराश कर दिया था। उनके तर्क छोटे तूफानों की तरह भी भावुक और क्षणभवपूर्ण, जो अपने पीछे चोट और भ्रम की छापू छोड़ गए थे। एक विशेष रूप से तूफानी शाम अपनी गर्म की छुट्टियों कहाँ बिलते के बाद गर्म गड़ाहट बहस के बाद न्याय के एक डफल बैग पैक किया और बाहर निकल गए। वो पूरी रात लक्षणहीन दंग से गली चलाती है ही। शहर की रोशनियाँ धुंधली होकर रंग की धारियों में बदल गई। आखिरकार उसने खुद को एक पहाड़ी के छोटे पर रखा और तारों से भरे रात की आकाश को देख रहे थे। उसके बचपन की यादें, अपने दादा जो एक सेवानिवृत्त भूगोल शास्त्रियों से साथ घास पर लुटे हुए नक्षत्रों के एक शर्त के कूदते हुए याद गई। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक ज़मीनी ताकत, एक प्यार जो उसे वापस लौटने के लिए एक सुरक्षित बदलाव की पेशकश करते हुए तरसने की ज़रूरत की समझाते हैं। अगली सुबह उसका दिल भारी लेकिन मन साफ था। वो लियो के अपार्टमेंट में वापस चली गई। वो अपनी बालकनी में और बैठा था। समूह का आकर्षक रंगी और गुलाबों के रंग में रंगा था। जैसे ही उसने उसे आते देखा उसका चेहरा चिंता से भर गया। उनकी आंखें राहत से चमक उठी। अन्या उसके सांस ली, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी। लियो उसके कहा कि उसने आंसू के लिए नज़र आ रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है। उस सबूत के उसकी बातचीत आसान नहीं थी। यह उनकी ज़रूरत और डर का एक कच्चा ईमानदार अन्वेषण था। अन्याय की प्रतिबद्धता के अपने डर कुछ न्याय करने की निरंतर चाहत स्वीकार किया जो स्थिरता की अपनी इच्छा एक ऐसे भविष्य की आवश्यकता की स्वीकार की जिसे मिलकर वहाँ सके, लेकिन अपनी सुरक्षा में उन्होंने एक गहरी समझ की खोज की है। उन्होंने एहसास हुआ कि उनके मतभेद कमजोरियों नहीं बल्कि ताकतों थी और न्याय की अपनी असीम ऊर्जा और अमृत जिज्ञासा के साथ लियो का अप्रत्याशित स्वतंत्रता को अपनाने के लिए अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लियो ने अपने टूट निष्ठा और अमीन उपस्थिति के साथ न्याय को उसकी स्वतंत्र भावना के दबाए बिना वो भावनात्मक सहारा प्रदान किया जिसकी उसे चाहत थी। उन प्रेरणाओं और परिमाणों पर प्रकाश डालते हैं जो रक्तपात के निरंतर चक्रों को बढ़ावा देते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और इस क्रूर दुनिया में बिजली की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान एक में एक आकर्षक कलाकारों की टोली है। प्रत्येक सदस्य फिल्म की कहानी में जटिल जाल के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी सरदार खान के रूप में केंद्र में है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका कार्य और विकल्प कहानी को गति देते हैं। ऋचा चड्ढा ने सरदार खान की पहली पत्नी नगमा खातून की किरदार निभाया जो अराजकता के बीच घरेलू चित्रों की झलक पेश करती है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान के बेटे में एक फैजल खान के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है जिसका यात्रा सामने आने वाली नाटक के केंद्रों बन जाते हैं। उनका विरोध कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया जो रामाधीर सिंह के चरित्रों को साकार करते हैं, जो एक दुर्जोय प्रतिद्वंदी है जो उसकी उपस्थिति पड़ी है। फिल्म की समृद्धि उन्हें उल्लेखनीय अभिनेताओं के योगदान से और भी बढ़ गई है। विभूष मिश्रा, रीमा सेन, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, अनुरिता झा और अजमेल खान प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभा के सामने लाते हैं। उन पात्रों में जान फूंक देती है जो सत्ता संघर्ष के प्रतिशोध जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं, रिश्ते को कहानी का आगे बढ़ाते हैं। उनका साहसिक प्रदर्शन विविध सत्ताओं और जय छदी तैयार करते हैं जिनके प्रत्येक गैंग्स ऑफ वासेपुर भगवान की भव्य कथा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने से चूक गई। भारत में फिल्म के 27.52 करोड़ का कलेक्शन के जिसे इसकी रिलीज के वर्ष 2012 में प्रचालित मानकों के आधार पर औसत से नीचे माना गया है। यह वित्तीय प्रदर्शन पहली नज़र में निराशाजनक लगा सकता है, हालांकि बदल के पर विचार करना महत्वपूर्ण है। फिल्म की अपराधगत कथा संरचना जो दर्शकों से चली आ रही और इसमें बड़े कलाकारों की मौजूदगी है जो सत्ता अधिक फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड के अपनी मधुताओं के दर्शकों के साथ मिले ना गए थे। इसके अलावा उसके विदेशी संग्रह भुगतान था कुल बुलमाई के लगभग 0.606 कमाई की। इस संदर्भ के कई कारकों के कारण है जिसमें भारत में एक विशिष्ट छात्रों के संदर्भ पर फिल्म का फोकस अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उसके सांस्कृतिक बारीकियों का अनुभव करने का अनुमति चुनौती शामिल है। औसत से नीचे बॉक्स ऑफिस वर्गीकरण बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान ने अपनी साहसिक कहानी, यादगार पात्रों और कच्चे निष्पादन के लिए आलोचनाओं को प्रशंसा प्राप्त की। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा ने फिल्म को अनूठी शौर्य परंपरागत कथा के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों में एक समर्पित बंद का बढ़ावा दिया है। यह फिल्म के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है जो साबित करता है कि आलोचनात्मक प्रशंसा के कलात्मक योजना कभी कभी कलात्मक मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता को मात दे सकती है। अन्याय की बवंडर थी मिथुन राशि की एक महिला जिसका जन्म लग्न पर हुआ था, जिसने चिन्ह की दोनों किनारों के जीवन तीव्रता के साथ दर्शाया। एक पल में वो एक मनोरम सामाजिक तितली थी, एक भीड़ भरी आर्ट गैलरी में उद्घाटन भर ध्यान के केंद्र उसकी हंसी हवा की झंझार की तरह बज रही थी। अगले दिन वो एक शांत कोने की छुपी हुई थी, जीवन के अर्थ के बारे में एक दार्शनिक चर्चा में खोई हुई थी। उसकी आंखें उस बुद्धिमत्ता से चमक रही थी जो नक्षत्रों से टक्कर सकती है। दूसरी ओर लियो के स्थिर हो गया था, वो स्वाभाविक तेजा जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चमक रहा था। उसके पास एक शांत आत्मविश्वास था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वो उनकी कॉलेज की बहस टीम का कप्तान था, उसका करिश्मा और वास्तविकता का सबसे गर्म तकों को भी विद्युत तत्वों में बदल देती थी। आत्मा की जीवंत अराजकता के विपरीत लियो व्यवस्था के संचार का सफल फूलता है, फिर भी वो उसे अन्य अप्रत्याशितों का अजीब तरह से आकर्षित लगी। उनकी पहली मुलाकात आकस्मिक थी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक आकस्मिक मुलाकात। अन्य और जो कभी योजनाकर्ता की खगोल भौतिकता पर किताब को तलाश में अपनी सामान्य अनुभव के भटक गई थी। लियो जो अपनी आगामी बहस के लिए शोध में डूबा हुआ था ने ऊपर देखा और उसे देखा। उसके उग्र लाल बाल मंद दोसली और गलियारों में एक प्रकाशंत को तरसते थे। न्याय की उसकी गिरहाओं के बेखबर होकर अपनी सांसों की रंग पे गुनाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। ध्यान में लियो और भिटक एक राग खेर दिया, एक परिचित धुन जैसे वो ठीक समझ नहीं सकता है। उसके दिन हफ्तों के बदल गए और उनके रास्ते में एक दूसरे के टकरा रही थी। एक साझा कक्षा छात्रों कैफे में एक मौका मुलाकात, भीड़ भरे छात्र संघ पर एक चोरी की नज़र, हर बार एक स्थायी भावना, एक जागरूकता ऐसी जिसे नफरत कर नहीं जा सकता था। अंततः एक कैंपस का ब्लैक में लियो के साहस जुटाया और नए के पास हुआ था। बहुत सुंदर था उसके कहा, उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी, जिस तरह से अपने सितारों के बारे में भी बात की, ऐसा लगा कि जैसे आप उसके बीच रहे हो। नायक मुस्कुराए, उसकी आंखें उस मनोरंजन से चमक रही थी जिसमें लियो का अंदर से गर्म कर दिया था। धन्यवाद उसके कहा, उनकी आवाज़ नरम गई थी। कविता मेरा लायन है, मेरे दिमाग में नाच रहे अपनों का पीछा करने का एक तरीका है। उस रात तारे से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे उनकी बातचीत सहजता से ललची थी। नायक के खोखोल वैज्ञानिक बनने मन के रहस्यों का, जानने के सपनों के बारे में बात की। उसके जुनून से मोहित होकर लियो ने अपनी आकांक्षाएं, वकील बनने के, न्याय के लिए लड़ने की अपनी इच्छा साझा की। जिसने इसे समय बीतता गया उसने शास्त्रीय संगीत के प्रति एक सपना, प्रेम का एहसास हुआ। उनके बीच एक पसंदीदा किताब की तरह परिचित मौन का आरामदायक भार, उनका रिश्ता सितारों के लिखी कहानी की तरह सामने आया। वे एक रोमांचकर विरोध धाम से एक जुनून, एक प्रकाशरंत अचारों की ओर और खड़ा था। उसका नृत्य रात के आकाश को हर्षान कर रहा था। न्याय के लियो के नियंत्रण की आवश्यकता को चुनौती दी और उसे सहजता की सुंदरता से परिचित कराया। बदले में लियो ने न्याय के तूफानी विचारों के आधार पर प्रदान किया, जिसमें उसे अपने असामित ऊर्जा की केंद्रित प्रशंसकों के लिए मदद मिली है। लेकिन सभी रिश्तों की तरह उनका रिश्ता भी चुनौतियों से प्रेरित था। न्याय की निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता अक्सर लियो की स्थिरता की इच्छा के टकराती है। अपने भविष्य की योजना बनाने की उनकी कोशिशें से न्याय की घुटन महसूस हुई, जबकि उसकी नियंत्रणकर्ता के लियो की स्पष्टता की आवश्यकता के निराश कर दिया था। उनके तर्क छोटे तूफानों की तरह भी भावुक और क्षणभवपूर्ण, जो अपने पीछे चोट और भ्रम की छापू छोड़ गए थे। एक विशेष रूप से तूफानी शाम, अपनी गर्म की छुट्टियों कहाँ बिलते के बाद गर्मगराहट बहस के बाद न्याय के एक डफल बैग पैक किया और बाहर निकल गए। वो पूरी रात लक्षणहीन दंग से गड़ी चलाती है ही। शहर की रोशनियाँ धुंधली होकर रंग की धारियों में बदल गई। आखिरकार उसने खुद को एक पहाड़ी के छोटे पर रखा और तारों से भरे रात की आकाश को देख रहे थे। उसके बचपन की यादें, अपने दादा जो एक सेवानिवृत्त मुगल शास्त्रियों से साथ घास पर लुटे हुए नक्षत्रों के एक शर्त के कूदते हुए याद गई। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक ज़मीनी ताकत, एक प्यार जो उसे वापस लौटने के लिए एक सुरक्षित बदलाव की पेशकश करते हुए तलाशने की ज़रूरत की समझाते हैं। अगली सुबह उसका दिल भारी लेकिन मन साफ था। वो लियो के अपार्टमेंट में वापस चली गई। वो अपनी बालकनी में और बैठा था। समूह का आकर्षक रंगी और गुलाबों के रंग में रंगा था। जैसे ही उसने उसे आते देखा, उसका चेहरा चिंता से भर गया। उनकी आंखें राहत से चमक उठी। अन्या उसके सांस ली, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी। लियो उसके कहा कि उसने आंसू के लिए नज़र आ रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है। उस सबू के उसकी बातचीत आसान नहीं थी। यह उनकी ज़रूरत और डर का एक कच्चा ईमानदार अन्वेषण था। अन्याय की प्रतिबद्धता कि अपने डर कुछ न्याय करने के निरंतर चाहता स्वीकार किया, जो स्थिरता की अपनी इच्छा, एक ऐसे भविष्य की आवश्यकता की स्वीकार की जिसे मिलकर वहाँ सके। लेकिन अपनी सुरक्षा में उन्होंने एक गहरी समझ की खोज की है। उन्होंने एहसास हुआ कि उनके मतभेद कमजोरियों नहीं बल्कि ताकतों थी। और न्याय की अपनी असीम ऊर्जा और अमृत जिज्ञासा के साथ लियो का अप्रत्याशित स्वतंत्रता को अपनाने के लिए अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लियो ने अपने अटूट निष्ठा और अमीन उपस्थिति के साथ न्याय को उसकी स्वतंत्र भावना के दबाए बिना वो भावनात्मक सहारा प्रदान किया जिसकी उसे चाहत थी। उन प्रेरणाओं और परिमाणों पर प्रकाश डालते हैं जो रक्तपात के निरंतर चक्रों को बढ़ावा देते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और इस क्रूर दुनिया में बिजली की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान एक आकर्षक कलाकारों की टोली है। प्रत्येक सदस्य फिल्म की कहानी में जटिल जाल के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी सरदार खान के रूप में केंद्रों में है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका कार्य और विकल्प कहानी को गति देते हैं। ऋचा चड्ढा ने सरदार खान की पहली पत्नी नगमा खातून की किरदार निभाया, जो अराजकता के बीच घरेलू चित्रों की झलक पेश करती है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान के बेटे में एक फैजल खान के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है, जिसका यात्रा सामने आने वाली नाटक के केंद्रों बन जाते हैं। उनका विरोध कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया, जो रामाधीर सिंह के चरित्रों को साकार करते हैं, जो एक दुर्जोय प्रतिद्वंदी है जो उसकी उपस्थिति पड़ी है। फिल्म की समृद्धि उन उल्लेखनीय अभिनेताओं के योगदान से और भी बढ़ गई है। विभूष मिश्रा, रीमा सेन, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, अनुरिता झा और जमील खान प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभा के सामने लाते हैं। उन पात्रों में जान फूंक देती है जो सत्ता, संघर्ष, प्रतिशोध, जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं। रिश्ते को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनका साहसिक प्रदर्शन विविध सत्ताओं और जय छदी तैयार करते हैं, जिनके प्रत्येक गैंग्स ऑफ वासेपुर भगवान की भावुक कथा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने से चूक गई। भारत में फिल्म के 27.52 करोड़ का कलेक्शन के जिसे इसकी रिलीज के वर्ष 2012 में प्रचालित मानकों के आधार पर औसत से नीचे माना गया है। यह वित्तीय प्रदर्शन पहली नज़र में निराशाजनक लगा सकता है। हालांकि बदल के ऊपर विचार करना महत्वपूर्ण है। फिल्म की अपराधगत कथा संरचना जो दर्शकों से चली आ रही और इसमें बड़े कलाकारों की मौजूदगी है जो सतह अधिक फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड के अपनी मधुताओं के दर्शकों के साथ मिले ना गए थे। इसके अलावा उसके विदेशी संग्रह भुगतान था कुल बुलमाई के लगभग 0.606 कमाई की। संदर्भ के कई कारकों के कारण है जिसमें भारत में एक विशिष्ट छात्रों के संदर्भ पर फिल्म का फोकस, अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उसके सांस्कृतिक बारीकियों का अनुभव करने का अनुमति चुनौती शामिल है। औसत से नीचे बॉक्स ऑफिस वर्गियों के बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान ने अपनी साहसिक कहानी, यादगार पात्रों और कच्चे निष्पादन के लिए आलोचनाओं को प्रशंसा प्राप्त की। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा ने फिल्म को अनूठी शौर्य परंपरागत कथा के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों में एक समर्पित बंद का बढ़ावा दिया है। यह फिल्म के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है जो साबित करता है कि आलोचनात्मक प्रशंसा के कलात्मक योजना कभी कभी कलात्मक मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता को मात दे सकती है। अन्याय की भवंडर थी मिथुन राशि की एक महिला जिसका जन्म लग्न पर हुआ था, जिसने चिन्ह की दोनों किरारों के जीवन तीव्रता के साथ दर्शाया। एक पल में वो एक मनोरम सामाजिक तितली थी, एक भीड़ भरी आर्ट गैलरी में उद्घाटन भर ध्यान के केंद्र उसकी हंसी हवा की झंकार की तरह बज रही थी। अगले दिन वो एक शांत कोने की छुपी हुई थी, जीवन के अर्थ के बारे में एक दार्शनिक चर्चा में खोई हुई थी। उसकी आंखें उस बुद्धिमत्ता से चमक रही थी जो नक्षत्रों से टक्कर सकती है। दूसरी ओर लियो के स्थिर हो गया था, वो स्वाभाविक तेजा जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चमक रहा था। उसके पास एक शांत आत्मविश्वास था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वो उनकी कॉलेज की बहस टीम का कप्तान था। उसका करिश्मा और वास्तुकता का सबसे गर्म तकों को भी विद्युत तत्वों में बदल देती थी। आत्मा की जीवंत आर्जकता के विपरीत लियो व्यवस्था के संचार का सफल फूलता है, फिर भी वो उसे अप्रत्याशित का अजीब तरह से आकर्षित लगी। उनकी पहली मुलाकात आकस्मिक थी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक आकस्मिक मुलाकात। अन्य और जो कभी योजनाकर्ता की खोगल भौतिकता पर किताब को तलाश में अपनी सामान्य अनुभव के भटक गई थी। लियो जो अपनी आगामी बहस के लिए शोध में डूबा हुआ था, ने ऊपर देखा और उसे देखा। उसके उग्र लाल बाल मंद दोषी और गलियारों में एक प्रकाशंत को तरसते थे। न्याय की उसके गिरहाओं के बेखबर होकर अपनी सांसों की रंग पे गुनाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। ध्यान में लियो और भिटक एक राग खेर दिया, एक परिचित धुन जैसे वो ठीक समझ नहीं सकता है। उसके दिन हफ्तों के बदल गए और उनके रास्ते में एक दूसरे के टकरा रही थी। एक साझा कक्षा छात्रों कैफे में एक मौका मुलाकात, भीड़ भरे छात्र संघ पर एक चोरी की नज़र, हर बार एक स्थायी भावना, एक जागरूकता ऐसी जिसे नफरत कर नहीं जा सकता था। अंततः एक कैंपस का ब्लैक में लियो के साहस जुटाया और नए के पास हुआ था। वो सुंदर था, उसके कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी, जिस तरह से अपने सितारों के बारे में भी बात की। ऐसा लगा कि जैसे आप उसके बीच रहे हो। नायक मुस्कुराए, उसकी आंखें उस मनोरंजन से चमक रही थी जिसमें लियो का अंदर से गर्म कर दिया था। धन्यवाद, उसके कहा। उनकी आवाज़ नरम गई थी। कविता मेरा लायन है, मेरे दिमाग में नाच रहे अपनों का पीछा करने का एक तरीका है। उस रात तारे से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे उनकी बातचीत सहजता से ललची थी। न्याय के खोखोल वैज्ञानिक बनने मन के रहस्यों का जानने के सपनों के बारे में बात की। उसके जुनून से मोहित होकर लियो ने अपनी आकांक्षाएं वकील बनने के, न्याय के लिए लड़ने की अपनी इच्छा साझा की। जिसने इसे समय बीतता गया उसने शास्त्रीय संगीत के प्रति एक सपना, प्रेम का एहसास हुआ। उनके बीच एक पसंदीदा किताब की तरह परिचित मौन का आरामदायक भार, उनका रिश्ता सितारों के लिखी कहानी की तरह सामने आया। वे एक रोमांचकर विरोध धाम से एक जुनून, एक प्रकाशरंत आचारों की ओर और खड़ा था। उसका नृत्य रात के आकाश को हर्षान कर रहा था, अन्याय के लियो के नियंत्रण की आवश्यकता को चुनौती दी और उसे सहजता की सुंदरता से परिचित कराया। बदले में उन्होंने न्याय के तूफानी विचारों के आधार पर प्रदान किया, जिसमें उसे अपने असामित ऊर्जा की केंद्रित प्रशंसकों के लिए मदद मिली है। लेकिन सभी रिश्तों की तरह उनका रिश्ता भी चुनौतियों से प्रेरित था। अन्याय की निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता अक्सर लियो की स्थिरता की इच्छा के टकराती है। अपने भविष्य की योजना बनाने की उनकी कोशिशें उसे न्याय की घुटन महसूस हुई, जबकि उसकी नियंत्रणकर्ता के लियो की स्पष्टता की आवश्यकता के निराश कर दिया था। उनके तर्क छोटे तूफानों की तरह भी भावुक और क्षणभवपूर्ण, जो अपने पीछे चोट और भ्रम की छापों को छोड़ गए थे। एक विशेष रूप से तूफानी शाम अपनी गर्म की छुट्टियों कहाँ बिलने के बाद गर्मगराहट बहस के बाद अन्याय के एक डफल बैग पैक किया और बाहर निकल गए। वो पूरी रात लक्षणहीन दंग से गली चलाती है ही। शहर की रोशनियाँ धुंधली होकर रंग की धारियों में बदल गई। आखिरकार उसने खुद को एक पहाड़ी के छोटे पर रखा और तारों से भरे रात की आकाश को देख रहे थे। उसके बचपन की यादें, अपने दादा जो एक सेवानिवृत्त मुगल शास्त्रियों से साथ घास पर लुटे हुए नक्षत्रों के एक शरद के कूदते हुए याद गई। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक ज़मीनी ताकत, एक प्यार जो उसे वापस लौटने के लिए एक सुरक्षित बदलाव के पेशकश करते हुए तरसने की ज़रूरत की समझाते हैं। अगली सुबह उसका दिल भारी लेकिन मन साफ था। वो लियो के अपार्टमेंट में वापस चली गई। वो अपनी बालकनी में और बैठा था। समूह का आकर्षक रंगी और गुलाबों के रंग में रंगा था। जैसे ही उसने उसे आते देखा, उसका चेहरा चिंता से भर गया। उनकी आंखें राहत से चमक उठी। अन्या उसके सांस ली, उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी। लियो उसके कहा कि उसने आंसू के लिए नज़र आ रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है। उस सबूत के उसकी बातचीत आसान नहीं थी। यह उनकी ज़रूरत और डर का एक कच्चा ईमानदार अन्वेषण था। अन्याय की प्रतिबद्धता के अपने डर कुछ न्याय करने के निरंतर चाहत स्वीकार किया, जो स्थिरता की अपनी इच्छा एक ऐसे भविष्य की आवश्यकता की स्वीकार की जिसे मिलकर वहाँ सके। लेकिन अपनी सुरक्षा में उन्होंने एक गहरी समझ की खोज की है। उन्होंने एहसास हुआ कि उनके मतभेद कमजोरियों नहीं बल्कि ताकतों थी। और न्याय की अपनी असीम ऊर्जा और अमृत जिज्ञासा के साथ लियो का अप्रत्याशित स्वतंत्रता को अपनाने के लिए अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लियो ने अपने टूट निष्ठा और अमीन उपस्थिति के साथ न्याय को उसकी स्वतंत्र भावना के दबाए बिना वो भावनात्मक सहारा प्रदान किया जिसकी उसे चाहत थी। उन प्रेरणाओं और परिमाणों पर प्रकाश डालते हैं जो रक्तपात के निरंतर चक्रों को बढ़ावा देते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और इस क्रूर दुनिया में बिजली की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान एक आकर्षक कलाकारों की टोली है। प्रत्येक सदस्य फिल्म की कहानी में जटिल जाल के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी सरदार खान के रूप में केंद्र में है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका कार्य और विकल्प कहानी को गति देते हैं। ऋचा चड्ढा ने सरदार खान की पहली पत्नी नगमा खातून की किरदार निभाया, जो अराजकता के बीच घरेलू चित्रों की झलक पेश करती है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान के बेटे में एक फैजल खान के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है, जिसका यात्रा सामने आने वाली नाटक के केंद्रों बन जाते हैं। उनका विरोध कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया, जो रामाधीर सिंह के चरित्रों को साकार करते हैं, जो एक दुर्जोय प्रतिद्वंदी है जो उसकी उपस्थिति पड़ी है। फिल्म की समृद्धि उन्हें उल्लेखनीय अभिनेताओं के योगदान से और भी बढ़ गई है। विभूष मिश्रा, हिमा सेन, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, अनुरिता झा और अजमेल खान प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभा के सामने लाते हैं। उन पात्रों में जान फूंक देती है जो सत्ता संघर्ष के प्रतिशोध जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं। रिश्ते को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनका साहसिक प्रदर्शन विविध सत्ताओं और जय छदी तैयार करते हैं, जिनके प्रत्येक गैंग्स ऑफ वासेपुर भगवान की भावुक कथा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने से चूक गई। भारत में फिल्म के 27.52 करोड़ का कलेक्शन के जिसे इसकी रिलीज के वर्ष 2012 में प्रचालित मानकों के आधार पर औसत से नीचे माना गया है। यह वित्तीय प्रदर्शन पहली नज़र में निराशाजनक लगा सकता है। हालांकि बदल के ऊपर विचार करना महत्वपूर्ण है। फिल्म की अपराधगत कथा संरचना जो दर्शकों से चली आ रही और इसमें बड़े कलाकारों की मौजूदगी है जो सत्ता अधिक फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड के अपनी मधुताओं के दर्शकों के साथ मिले ना गए थे। इसके अलावा उसके विदेशी संग्रह भुगतान था कुल मिलमाई के लगभग 0.606 कमाई की। संदर्भ के कई कारकों के कारण है जिसमें भारत में एक विशिष्ट छात्रों के संदर्भ पर फिल्म का फोकस अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उसके सांस्कृतिक बारीकियों का अनुभव करने का अनुमति चुनौती शामिल है। औसत से नीचे बॉक्स ऑफिस वर्गियों के बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान ने अपनी साहसी कहानी, यादगार पात्रों और अच्छे निष्पादन के लिए आलोचनाओं को प्रशंसा प्राप्त की। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा ने फिल्म को अनूठी शौर्य परंपरागत कथा के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों में एक समर्पित बंद का बढ़ावा दिया है। ये फिल्म के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है जो साबित करता है कि आलोचनात्मक प्रशंसा के कलात्मक योजना कभी कभी कलात्मक मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता को मात दे सकती है। अन्याय की भवंडर थी मिथुन राशि की एक महिला जिसका जन्म लग्न पर हुआ था, जिसने चिन्ह की दोनों किनारों के जीवन तीव्रता के साथ दर्शाया। एक पल में वो एक मनोरम सामाजिक तितली थी, एक भीड़ भरी आर्ट गैलरी में उद्घाटन भर ध्यान के केंद्र उसकी हंसी हवा की झंकार की तरह बज रही थी। अगले दिन वो एक शांत कोने की छुपी हुई थी, जीवन के अर्थ के बारे में एक दार्शनिक चर्चा में खोई हुई थी। उसकी आंखें उस बुद्धिमत्ता से चमक रही थी जो नक्षत्रों से टक्कर सकती है। दूसरी ओर लियो के स्थिर हो गया था, वो स्वाभाविक तेजा जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चमक रहा था। उसके पास एक शांत आत्मविश्वास था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वो उनकी कॉलेज की बहस टीम का कप्तान था। उसका करिश्मा और वास्तविकता का सबसे गर्म तकों को भी विद्युत तर्कों में बदल देती थी। आत्मा की जीवंत आर्जकता के विपरीत लियो व्यवस्था के संचार का सफल फूलता है, फिर भी वो उसे अप्रत्याशित का अजीब तरह से आकर्षित लगी। उनकी पहली मुलाकात आकस्मिक थी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक आकस्मिक मुलाकात। अन्य और जो कभी योजनाकर्ता की खोगल भौतिकता पर किताब को तलाश में अपनी सामान्य अनुभव के भटक गई थी। लियो जो अपनी आगामी बहस के लिए शोध में डूबा हुआ था ने ऊपर देखा और उसे देखा। उसके उग्र लाल बाल मंद दोषी और गलियारों में एक प्रकाशंत को तरसते थे। न्याय की उसकी गिराहों के बेखबर होकर अपनी सांसों की रंग पे गुनाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। ध्यान में लियो और भिटक एक राग खेर दिया, एक परिचित धुन जैसे वो ठीक समझ नहीं सकता है। उसके दिन हफ्तों के बदल गए और उनके रास्ते में एक दूसरे के टकरा रही थी। एक साझा कक्षा छात्रों कैफे में एक मौका मुलाकात, भीड़ भरे छात्र संघ पर एक चोरी की नज़र, हर बार एक स्थायी भावना, एक जागरूकता ऐसी जिसे नफरत कर नहीं जा सकता था। अंततः एक कैंपस का ब्लैक में लियो के सांस जुटाया और नए के पास हुआ था। वो सुंदर था, उसके कहा उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी, जिस तरह से अपने सितारों के बारे में भी बात की। ऐसा लगा कि जैसे आप उसके बीच रहे हो। नायक मुस्कुराए, उसकी आंखें उस मनोरंजन से चमक रही थी जिसमें लियो का अंदर से गर्म कर दिया था। धन्यवाद, उसके कहा। उनकी आवाज़ नरम गई थी। कविता मेरा लायन है, मेरे दिमाग में नाच रहे अपनों का पीछा करने का एक तरीका है। उस रात तारे से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे उनकी बातचीत सहजता से ललची थी। न्याय के खोखोल वैज्ञानिक बनने मन के रहस्यों का जानने के सपनों के बारे में बात की। उसके जुनून से मोहित होकर लियो ने अपनी आकांक्षाएं वकील बनने के, न्याय के लिए लड़ने की अपनी इच्छा साझा की। जिसने इसे समय बीतता गया उसने शास्त्रीय संगीत के प्रति एक सपना प्रेम का एहसास हुआ। उनके बीच एक पसंदीदा किताब की तरह परिचित मौन का आरामदायक भार, उनका रिश्ता सितारों के लिखी कहानी की तरह सामने आया। पे एक रोमांचक विरोध धाम से एक जुनून, एक प्रकाशरंत अचारों की ओर और खड़ा था। उसका नित्य रात के आकाश को हर्षान कर रहा था। न्याय के लियो के नियंत्रण की आवश्यकता को चुनौती दी और उसे सहजता की सुंदरता से परिचित कराया। बदले में लियो ने न्याय के तूफानी विचारों के आधार पर प्रदान किया, जिसमें उसे अपने असामित ऊर्जा की केंद्रित प्रशंसों के लिए मदद मिली है। लेकिन सभी रिश्तों की तरह उनका रिश्ता भी चुनौतियों से प्रेरित था। न्याय की निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता अक्सर लियो की स्थिरता की इच्छा के टकराती है। अपने भविष्य की योजना बनाने की उनकी कोशिशें से न्याय की घुटन महसूस हुई, जबकि उसकी नियंत्रणकर्ता के लियो की स्पष्टता की आवश्यकता के निराश कर दिया था। उनके तर्क छोटे तूफानों की तरह भी भावुक और क्षणभवपूर्ण, जो अपने पीछे चोट और भ्रम की छाप छोड़ गए थे। एक विशेष रूप से तूफानी शाम, अपनी गर्म की छुट्टियों कहाँ बिलने के बाद गर्मगराहट बहस के बाद अन्याय के एक डफल बैग पैक किया और बाहर निकल गए। वो पूरी रात लक्षणहीन दंग से गड़ी चलाती है ही। शहर की रोशनियाँ धुंधली होकर रंग की धारियों में बदल गई। आखिरकार उसने खुद को एक पहाड़ी के छोटे पर रखा और तारों से भरे रात की आकाश को देख रहे थे। उसके बचपन की यादें, अपने दादा जो एक सेवानिवृत्त मुगल शास्त्रियों से साथ घास पर लुटे हुए नक्षत्रों के एक शरद के कूदते हुए याद गई। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक ज़मीनी ताकत, एक प्यार जो उसे वापस लौटने के लिए एक सुरक्षित बदलाव की पेशकश करते हुए तलाशने की ज़रूरत की समझाते हैं। अगली सुबह उसका दिल भारी लेकिन मन साफ था। वो लियो के अपार्टमेंट में वापस चली गई। वो अपनी बालकनी में और बैठा था। समूह का आकर्षक नंदी और गुलाबों के रंग में रंगा था। जैसे ही उसने उसे आते देखा, उसका चेहरा चिंता से भर गया। उनकी आंखें राहत से चमक उठी। अन्या उसके सांस ली। उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी। लियो उसके कहा कि उसने आंसू के लिए नज़र आ रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है। उस सबू के उसकी बातचीत आसान नहीं थी। यह उनकी ज़रूरत और डर का एक कच्चा ईमानदार अन्वेषण था। अन्याय की प्रतिबद्धता के अपने डर कुछ न्याय करने के निरंतर चाहत स्वीकार किया, जो स्थिरता की अपनी इच्छा एक ऐसे भविष्य की आवश्यकता की स्वीकार की जिसे मिलकर वहाँ सके। लेकिन अपनी सुरक्षा में उन्होंने एक गहरी समझ की खोज की है। उन्होंने एहसास हुआ कि उनके मतभेद कमजोरियों नहीं बल्कि ताकतों थी। और न्याय की अपनी असीम ऊर्जा और अमृत जिज्ञासा के साथ लियो का अप्रत्याशित स्वतंत्रता को अपनाने के लिए अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लियो ने अपने टूट निष्ठा और अमीन उपस्थिति के साथ न्याय को उसकी स्वतंत्र भावना के दबाए बिना वो भावनात्मक सहारा प्रदान किया जिसकी उसे चाहत थी। उन प्रेरणाओं और परिमाणों पर प्रकाश डालते हैं जो रक्तपात के निरंतर चक्रों को बढ़ावा देते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और इस क्रूर दुनिया में बिजली की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान एक में एक आकर्षक कलाकारों की टोली है। प्रत्येक सदस्य फिल्म की कहानी में जटिल जाल के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी सरदार खान के रूप में केंद्र में है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका कार्य और विकल्प कहानी को गति देते हैं। ऋचा चड्ढा ने सरदार खान की पहली पत्नी नगमा खातून की किरदार निभाया, जो अराजकता के बीच घरेलू चित्रों की झलक पेश करती है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान के बेटे में एक फैजल खान के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है, जिसका यात्रा सामने आने वाली नाटक के केंद्रों बन जाते हैं। उनका विरोध कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया, जो रामाधीर सिंह के चरित्रों को साकार करते हैं, जो एक दुर्जोय प्रतिद्वंदी है जो उसकी उपस्थिति पड़ी है। फिल्म की समृद्धि उन्हें उल्लेखनीय अभिनेताओं के योगदान से और भी बढ़ गई है। विभूष मिश्रा, रीमा सेन, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, अनुरिता झा और अजमेल खान प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभा के सामने लाते हैं। उन पात्रों में जान फूंक देती है जो सत्ता संघर्ष के प्रतिशोध जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं। रिश्ते को कहानी का आगे बढ़ाते हैं। उनका साहसिक प्रदर्शन विविध सत्ताओं और जय छदी तैयार करते हैं, जिनके प्रत्येक गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान की भावुक कथा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने से चूक गई। भारत में फिल्म के 27.52 करोड़ का कलेक्शन के जिसे इसकी रिलीज के वर्ष 2012 में प्रचालित मानकों के आधार पर औसत से नीचे माना गया है। यह वित्तीय प्रदर्शन पहली नज़र में निराशाजनक लगा सकता है। हालांकि बदल के पर विचार करना महत्वपूर्ण है। फिल्म की अपराधगत कथा संरचना जो दर्शकों से चली आ रही और इसमें बड़े कलाकारों की मौजूदगी है जो सत्ता अधिक फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड के अपनी मधुताओं के दर्शकों के साथ मिले ना गए थे। इसके अलावा उसके विदेशी संग्रह भुगतान था कुल बुलमाई के लगभग 0.606 कमाई की। संदर्भ के कई कारकों के कारण है जिसमें भारत में एक विशिष्ट छात्रों के संदर्भ पर फिल्म का फोकस अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उसके सांस्कृतिक बारीकियों का अनुभव करने का अनुमति चुनौती शामिल है। औसत से नीचे बॉक्स ऑफिस वर्गीकरण बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान ने अपनी साहसिक कहानी, यादगार पात्रों और कच्चे निष्पादन के लिए आलोचनाओं को प्रशंसा प्राप्त की। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा ने फिल्म को अनूठी शौर्य परंपरागत कथा के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों में एक समर्पित बंद का बढ़ावा दिया है। यह फिल्म के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है जो साबित करता है कि आलोचनात्मक प्रशंसा के कलात्मक योजना कभी कभी कलात्मक मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता को मात दे सकती है। अन्याय की बवंडर थी मिथुन राशि की एक महिला जिसका जन्म लग्न पर हुआ था, जिसने चिन्ह की दोनों किनारों के जीवन तीव्रता के साथ दर्शाया। एक पल में वो एक मनोरम सामाजिक तितली थी, एक भीड़ भरी आर्ट गैलरी में उद्घाटन भर ध्यान के केंद्र उसकी हंसी हवा के झंकार की तरह बज रही थी। अगले दिन वो एक शांत कोने की छुपी हुई थी, जीवन के अर्थ के बारे में एक दार्शनिक चर्चा में खोई हुई थी। उसकी आंखें उस बुद्धिमत्ता से चमक रही थी जो नक्षत्रों से टक्कर सकती है। दूसरी ओर लियो के स्थिर हो गया था, वो स्वाभाविक तेजा जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चमक रहा था। उसके पास एक शांत आत्मविश्वास था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। वो उनके कॉलेज की बहस टीम का कप्तान था। उसका करिश्मा और वास्तविकता का सबसे गर्म तकों को भी विद्युत तत्वों में बदल देती थी। आत्मा की जीवंत अराजकता के विपरीत लियो व्यवस्था के संचार का सफल खुलता है, फिर भी वो उसे अप्रत्याशितों का अजीब तरह से आकर्षित लगी। उनकी पहली मुलाकात आकस्मिक थी। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक आकस्मिक मुलाकात है। अन्य और जो कभी योजना करता कि खगोल भौतिकता पर किताब को तलाश में अपनी सामान्य अनुभव के भटक गई थी। लियो जो अपनी आगामी बहस के लिए शोध में डूबा हुआ था ने ऊपर देखा और उसे देखा। उसके उग्र लाल बाल मंद दोसली और गलियारों में एक प्रकाशंत को तरसते थे। न्याय कि उसके गिरहाओं के बेखबर होकर अपनी सांसों की रंग पे गुनाने के लिए अपनी खोज जारी रखी। दैनिक में लियो और भिटक एक राग खेर दिया, एक परिचित धुन जैसे वो ठीक समझ नहीं सकता है। उसके दिन हफ्तों के बदल गए और उनके रास्ते में एक दूसरे के टकरा रही थी। एक साझा कक्षा छात्रों कैफे में एक मौका मुलाकात, भीड़ भरे छात्र संघ पर एक चोरी की नज़र, हर बार एक स्थायी भावना, एक जागरूकता ऐसी जिसे नफरत कर नहीं जा सकता था। अंततः एक कैंपस का ब्लैक में लियो के साहस जुटाया और नए के पास हुआ था। वो सुंदर था, उसके कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी झिझक रही थी। जिस तरह से अपने सितारों के बारे में भी बात की, ऐसा लगा कि जैसे आप उसके बीच रहे हो। नायक मुस्कुराए। उसकी आंखें उस मनोरंजन से चमक रही थी जिसमें लियो का अंदर से गर्म कर दिया था। धन्यवाद, उसके कहा। उनकी आवाज़ नरम गई थी। कविता मेरा लायन है, मेरे दिमाग में नाच रहे अपनों का पीछा करने का एक तरीका है। उस रात तारे से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे उनकी बातचीत सहजता से ललची थी। न्याय के खगोल वैज्ञानिक बनने मन के रहस्यों का जानने के सपनों के बारे में बात की। उसके जुनून से मोहित होकर लियो ने अपनी आकांक्षाएं वकील बनने के, न्याय के लिए लड़ने की अपनी इच्छा साझा की। जिसने इसे समय बीतता गया उसने शास्त्रीय संगीत के प्रति एक सपना प्रेम का एहसास हुआ। उनके बीच एक पसंदीदा किताब की तरह परिचित मौन का आरामदायक भार, उनका रिश्ता सितारों के लिखी कहानी की तरह सामने आया। वे एक रोमांचकर विरोध धाम से एक जुनून, एक प्रकाशरंत आचारों की ओर और खड़ा था। उसका नित्य रात के आकाश को हर्षान कर रहा था। न्याय के लियो के नियंत्रण की आवश्यकता को चुनौती दी और उसे सहजता की सुंदरता से परिचित कराया। बदले में लियो ने न्याय के तूफानी विचारों के आधार पर प्रदान किया जिसमें उसे अपने असामित ऊर्जा की केंद्रित प्रशंसों के लिए मदद मिली है। लेकिन सभी रिश्तों की तरह उनका रिश्ता भी चुनौतियों से प्रेरित था। न्याय की निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता अक्सर लियो की स्थिरता की इच्छा के टकराती है। अपने भविष्य की योजना बनाने की उनकी कोशिशें से न्याय की घुटन महसूस हुई, जबकि उसकी नियंत्रणकर्ता के लियो की स्पष्टता की आवश्यकता के निराश कर दिया था। उनके तर्क छोटे तूफानों की तरह भी भावुक और क्षणभवपूर्ण, जो अपने पीछे चोट और भ्रम की छापों को छोड़ गए थे। एक विशेष रूप से तूफानी शाम, अपनी गर्म की छुट्टियों कहाँ बिलते के बाद गर्मगराहट बहस के बाद अन्याय के एक डफल बैग पैक किया और बाहर निकल गए। वो पूरी रात लक्षणहीन दंग से गड़ी चलाती है ही। शहर की रोशनियाँ धुंधली होकर रंग की धारियों में बदल गई। आखिरकार उसने खुद को एक पहाड़ी के छोटे पर रखा और तारों से भरे रात की आकाश को देख रहे थे। उसके बचपन की यादें, अपने दादा जो एक सेवानिवृत्त मुगल शास्त्रियों से साथ घास पर लुटे हुए नक्षत्रों के एक शरद के कूदते हुए याद गई। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक ज़मीनी ताकत, एक प्यार जो उसे वापस लौटने के लिए एक सुरक्षित बदलाव की पेशकश करते हुए तलाशने की ज़रूरत की समझाते हैं। अगली सुबह उसका दिल भारी लेकिन मन साफ था। वो लियो के अपार्टमेंट में वापस चली गई। वो अपनी बालकनी में और बैठा था। समूह का आकर्षक रंगी और गुलाबों के रंग में रंगा था। जैसे ही उसने उसे आते देखा उसका चेहरा चिंता से भर गया। उनकी आंखें राहत से चमक उठी। अन्या उसके सांस ली। उसकी आवाज़ भावना से भरी हुई थी। लियो उसके कहा कि उसने आंसू के लिए नज़र आ रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है। उस सबू के उसकी बातचीत आसान नहीं थी। यह उनकी ज़रूरत और डर का एक कच्चा ईमानदार अन्वेषण था। अन्याय की प्रतिबद्धता कि अपने डर कुछ न्याय करने के निरंतर चाहता स्वीकार किया, जो स्थिरता की अपनी इच्छा एक ऐसी भविष्य की आवश्यकता की स्वीकार की जिसे मिलकर वहाँ सके। लेकिन अपनी सुरक्षा में उन्होंने एक गहरी समझ की खोज की है। उन्होंने एहसास हुआ कि उनके मतभेद कमजोरियों नहीं बल्कि ताकतों थी। और न्याय की अपनी असीम ऊर्जा और अमृत जिज्ञासा के साथ लियो का अप्रत्याशित स्वतंत्रता को अपनाने के लिए अपने आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लियो ने अपने टूट निष्ठा और अमीन उपस्थिति के साथ न्याय को उसकी स्वतंत्र भावना के दबाए बिना वो भावनात्मक सहारा प्रदान किया जिसकी उसे चाहत थी। उन प्रेरणाओं और परिमाणों पर प्रकाश डालते हैं जो रक्तपात के निरंतर चक्रों को बढ़ावा देते हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और इस टोर दुनिया में बिजली की वास्तविक वे कीमत पर सवाल उठाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1 में एक आकर्षक कलाकारों की टोली है। प्रत्येक सदस्यों फिल्म की कहानी में जटिल जाल के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी सरदार खान के रूप में केंद्र में है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका कार्य और विकल्प कहानी को गति देते हैं। ऋचा चड्ढा ने सरदार खान की पहली पत्नी नगमा खातून की किरदार निभाया, जो अराजकता के बीच घरेलू चित्रों की झलक पेश करती है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने सरदार खान के बेटे में एक फैजल खान के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है, जिसका यात्रा सामने आने वाली नाटक के केंद्रों बन जाते हैं। उनका विरोध कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया, जो रामाधीर सिंह के चरित्रों को साकार करते हैं, जो एक दुर्जोय प्रतिद्वंदी है जो उसकी उपस्थिति पड़ी है। फिल्म की समृद्धि उन्हें उल्लेखनीय अभिनेताओं के योगदान से और भी बढ़ गई है। विभूष मिश्रा, हिमा सेन, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, अनुरिता झा और जमील खान प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभा के सामने लाते हैं। उन पात्रों में जान फूंक देती है जो सत्ता संघर्ष के प्रतिशोध जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं। रिश्ते को कहानी का आगे बढ़ाते हैं। उनका साहसिक प्रदर्शन विविध सत्ताओं और जय छदी तैयार करते हैं, जिनके प्रत्येक गैंग्स ऑफ वासेपुर भगवान की भव्य कथा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान को मध्यम व्यावसायिक सफलता मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने से चूक गई। भारत में फिल्म के 27.52 करोड़ का कलेक्शन के जिसे इसकी रिलीज के वर्ष 2012 में प्रचालित मानकों के आधार पर औसत से नीचे माना गया है। यह वित्तीय प्रदर्शन पहली नज़र में निराशाजनक लगा सकता है, हालांकि बदल के ऊपर विचार करना महत्वपूर्ण है। फिल्म की अपराधगत कथा संरचना जो दर्शकों से चली आ रही और इसमें बड़े कलाकारों की मौजूदगी है जो सत्ता अधिक फार्मूलाबद्ध बॉलीवुड के अपनी मधुताओं के दर्शकों के साथ मिले ना गए थे। इसके अलावा उसके विदेशी संग्रह भुगतान था कुल कमाई के लगभग 0.606 कमाई की। इस संदर्भ के कई कारकों के कारण है, जिसमें भारत में एक विशिष्ट छात्रों के संदर्भ पर फिल्म का फोकस अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उसके सांस्कृतिक बारीकियों का अनुभव करने का अनुमति चुनौती शामिल है। औसत से नीचे बॉक्स ऑफिस वर्गीकरण बावजूद गैंग्स ऑफ वासेपुर भागवान ने अपनी साहसिक कहानी, यादगार पात्रों और कच्चे निष्पादन के लिए आलोचनाओं को प्रशंसा प्राप्त की। इसे आलोचनात्मक प्रशंसा ने फिल्म को अनूठी शौर्य परंपरागत कथा के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों में एक समर्पित बंद का बढ़ावा दिया है। यह फिल्म के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है जो साबित करता है कि आलोचनात्मक प्रशंसा के कलात्मक योजना कभी कभी कलात्मक मुख्यधारा की व्यावसायिक सफलता को मात दे सकती है। अन्याय की भवंडर थी मिथुन राशि की एक महिला जिसका जन्म लग्न पर हुआ था, जिसने चिन्ह की दोनों किरारों के जीवन तीव्रता के साथ दर्शाया। एक पल में वो एक मनोरम सामाजिक तितली थी, एक भीड़ भरी आर्ट गैलरी में उद्घाटन भर ध्यान के केंद्र उसकी हंसी हवा की झंकार की तरह बज रही थी। अगले दिन वो एक शांत कोने की छुपी हुई थी, जीवन के अर्थ के बारे में एक दार्शनिक चर्चा में खोई हुई थी। उसकी आंखें उस बुद्धिमत्ता से चमक रही थी जो नक्षत्रों से टक्कर सकती है। दूसरी ओर लियो के स्थिर हो गया था, वो स्वाभाविक तेजा जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चमक रहा था। उसके पास एक शांत आत्मविश्वास था जो लोगों को अपनी